लेकिन शंकर जी को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम।
लेकिन कहते तो सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन ऊपर से शंकर जी को देखोगे ना बड़े भयंकर वैसे, सारा शरीर में बहुत लगाई हुई मिलेगी। कहाँ के बहुत, कोई अच्छे बहुत नहीं, जितने शमशान की जितने बहुत को लगाए हुए मिलेंगे। बोले शमशान की बहुत क्यों लगाते हैं, इसलिए श्री शंकर जी ये जगत गुरु है, गुरु होने का नाते ये सबको शिक्षा देते हैं। बोले जिस शरीर को तुम इतने सुंदर क्रीम और बड़े सुंदर शरीर को सजाते हैं पाउडर अलग अलग चीज दे करके, एक दिन ये शरीर को शमशान में लेकर के जला देंगे और एक दिन ये दो मुट्ठी राख बनने वाली, इसलिए गले में हड्डी की माला। बोले ये शरीर भी एक दिन दो टुकड़े हड्डी होगा और कुछ नहीं, इसलिए अगर प्रेम करना तो किसको प्रेम करो, बोले भगवान कृष्ण को प्रेम करो। इसलिए शंकर जी के ऊपर में कोई सुंदर बेली चमेली जूही केतकी मालती ये सब फूल नहीं चढ़ाते हैं, जो वृक्षों को कोई नहीं लगाते अपने आप जंगल में होता है। जितने जहरीले फूल आतंद फूल धतुरे फूल लगाते हैं, बोले क्यों, शंकर जी सोचते हैं जितने अच्छे फूल है मेरे प्रभु कृष्ण सेवा के लिए, मैं तो उनका सेवक हूँ, अपने आप जंगल में जो फूल होगा उसको ही मैं धारण करूँगा। शंकर जी कोई सोने चांदी की अलंकार धारण नहीं करते हैं, बोले इसलिए कहते उनका सारा शरीर में देखना सांप ही सांप, गले में सांप, हाथों में सांप, कमर में सांप है, ये सांप कौन है सर्प, कहते ये अनंत देव शंकर जी की गुरु जी है, दुनिया को शिक्षा देते हैं। अगर जीवन में अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को ही जीवन में अलंकार रूप में धारण करो, जिससे तुम्हारी संसार रूपी बंधन नष्ट हो जाए। इसलिए शंकर जी की सांप बिच्छू लटकते हुए देखोगे, शंकर जी वैष्णव है परम संत हैं, जो संत हैं अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन शंकर जी छुपा नहीं सके। बोले क्यों, बोले शंकर जी को पास में सबसे बड़ा पवित्र वस्तु है, बोले शंकर जी की जटा में कहते पतित पावन श्री गंगा माता जी, बोले श्री गंगा देवी की जय। इसलिए शंकर जी उनने छुपा नहीं सके इसको, हैं? शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करके आए, जब श्रृंगार करके आए अलग निरंजन करते करते आए, अभी वहाँ पर एक दरवान था, इतने में शंकर जी पूछे मैंने सुना नंदक है कि लाला भयो है, तो उसने बोले भैया नंदक लाला भयो तेरे कहाँ भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो, बड़े दूर से आया हूँ, बड़ा सुंदर उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो इतने सुंदर बन कर के आई थी, लग रहा था मानो वैकुंठ से लक्ष्मी आ गई, तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख करके मेरा जी घबरा रहा है, अभी तो लाला हमारा छोटो सो बड़े जल्दी नजर लग जाती है। इतने में शंकर जी सोच रही है भगवान इनको पता नहीं कृष्ण कौन है, ये जगतपति जगन्नाथ है जिनकी नाम सुन करके काल भी थर 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 कांपते हैं, इनको पता नहीं ये कौन है ये। इसलिए उसने जा करके मैया को बोले मैया कहाँ से कि बाबा आया है, वो कहता है लाला को दर्शन कराओ, तू जा करके देख, देख करके मेरा जी घबड़ गया, घबड़ रहा है। मैया आ करके शंकर जी को तो देखकर डर गई, बोले बाबा कहाँ बात है, बोले मैया मैंने सुना तेरे घर में लाला भाई भाई, बोले लाला भाई तो तेरे कहाँ भाई भाई, बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा उस लाला को। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आई थी, वो तो बड़ी सुंदर बन करके आई थी, अब तेरे को तो देख कर मेरे जी घबरा रहा है, मेरे लाला को पर नजर लगी जाती, जल्दी जल्दी लाला का दर्शन नहीं होगा, सोना चांदी जो चाहते हो लो भिख्या और रास्ता देखो। शंकर जी बोले अगर मेरे को दर्शन नहीं कराओगे ना यही त्रिशूल गाड़ करके बैठ जाऊंगा। शंकर जी त्रिशूल गाड़ लिए और मैया तो कान्हा को लेकर के अंदर के कोने घर में छुपा दिए। ए शंकर जी वहीं पर बैठ कर डम्बर बजाना शुरू कर दिया, ये डम्बर की आवाज सुनते ही कृष्ण तो रोने लग गए और जितने थपथप लगा करके सुलाए उतना जोर जोर से चिल्लाए,
पूरा परिवार तंग हो गई। बोले भैया लाला का रोना ही बंद नहीं हो रहा है। किसने बोले भैया जो बाबा आया ना वो वहां पर बैठ कर डम्बर बजा रहा है और ध्यान करके बैठा हुआ, वो कहता है जब तक लाला को दर्शन नहीं तो यहाँ से मैं जाने वाला नहीं। मैया ने काले कपड़े से ओर करके मोटी मोटी काजल लगा दी, यहाँ पर काजल का बड़ा फोटा लगा दिए और उन्होंने काले कपड़े से ओढ़ करके नजर नहीं लग जाए, बड़ी कठिनी से लाई। बोले बाबा तू बड़े अखड़, देख ले लाला को, एक झलक दर्शन कराया। एक कृष्ण जो रो रहे थे ना वो खिलखिले करके हंसने लगे, शंकर जी जो हंस रहे थे रोने लगे। मैया समझ गई बाबा भी जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चली बाबा हाथ देखना जानते हैं, भविष्य बोलते ना तो घर जाते बाबा थोड़ा मेरे हाथ देख ले, बताओ मेरे भविष्य क्या है। जितने माता है ना शंकर जी वो घर गए। बोले बाबा तू लगता है तू जादू टोना जानते। बोले हाँ। बोले बताओ हमारे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती, कोई उपाय है। बोले एक काम करियो, अपना लाला का जो स्नान कराते हो उस स्नान का जो जल मेरे सर पर लाकर डाल देना, क्योंकि जो स्नान कराते वो जल ना मृत हो जाता है। शंकर जी के सर पर गंगा, ये गंगा कौन है? श्री वामन देव ने जब एक चरण को ऊपर बढ़ाया, जब उन्हें ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी इनके चरण को अभिषेक करके जो चरणामृत रखे थे, यही श्री गंगा देवी की जय। इसलिए और ये तो कृष्ण का चरणामृत है। बोले बाबा कर दूंगा, और कुछ करना पड़ेगा? बोले और ये काम करोगे तो नजर कभी लगेगा नहीं। बोले बोल दो। बोले लाला का जब भोजन कराओगे वो प्लेट में जो बच जाएगा ना उसको मेरे को देखना। बोले बाबा सो कर दो। अभी आप जाओगे नंदगांव में, वहां पर नंदीश्वर ये बच्चे को एक इधर नहीं उधर उधर बैठो उधर बैठो, वहीं से उठना नहीं, बैठ जाओ यहीं पर। इसलिए वहां पर श्री नंदीश्वर महादेव है। अगर नंदगांव में जाओगे वहां पर देखोगे जब भगवान को स्नान कराया जाता है वो चरणामृत सीधा ला करके शंकर जी के सर पर डालते हैं, जब ठाकुर जी को भोग लगता है वो सीधा आती है और प्लेट, फिर शंकर जी को भोग लगता है फिर सबको मिलता है। क्योंकि जब ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगता है उसको नाम हो जाता है प्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब भगवान किसी भक्तों को भोग लग जाए फिर वो प्रसाद नहीं महा महा प्रसाद हो जाता है, उसका और भी महिमा बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य यह है कोई भी चीज पहले शंकर जी को भोग नहीं लगानी चाहिए। आप शिव पुराण पढ़ करके देखो, बताए जो डायरेक्ट शंकर जी के प्रसाद खाएगा कुत्ते जोन में मिल जाएगा। इसलिए पहले सबसे पहले भगवान कृष्ण को हो, राम को हो, नारायण को हो भोग लगे, फिर वो प्रसाद को फिर भोग लगा। किसको? माँ देवी जैसे वैष्णवी है, जैसे हनुमान जी, हनुमान का नाम सुने कि नहीं? कोई कोई क्या कहते हैं हनुमान जी को लड्डू लेकर के ना उनको मुंह में ठोसते हैं, हनुमान जी खा लो। क्या हनुमान जी भूखे तेरे लड्डू के लिए बैठे हुए? एक मण क्या 100 मण भी भोग लगाओ ना हनुमान जी देखेंगे नहीं। लेकिन जब श्री भगवान राम को भोग लग जाए, जब मैया जानकी को भोग लग जाए, फिर हनुमान को देने का जरूरत नहीं, हनुमान जी लपक कर खा लेंगे। इसलिए जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? बताओ बताओ कहाँ पर बैठे हुए? राम की चरण में बैठे हैं। इसलिए जब तक प्रभु राम भोजन नहीं करेंगे हनुमान कभी भी उस तरफ में कभी देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना? क्या करना? पहले कृष्ण को हो राम को भोग लगाओ, फिर शंकर जी को हो, माता देवी को हो, गणेश जी के हो, फिर जो 33 करोड़ देवता को भोग लगाओ, बड़े प्रसन्न होकर के वो ग्रहण करते हैं। अब कह के छोटी स्टोरी सुनाता हूँ पुराण की, अच्छे तरह से सुनो, बढ़िया अच्छी स्टोरी है। बोले एक समय श्री नारद जी, इनको पता चला जो भगवान का प्रसाद को एक बार सेवन करे वो चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु से निकल जाएगा। एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, बोले प्रभु जी थोड़ी सी आपका प्रसाद दो। भगवान बोले देखो मैं अपना प्रसाद मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी बनाती हैं
और मैं खाने का बाद लक्ष्मी क्या करते, अब आगे आ जाओ रघु जी, इधर आ जाओ, लक्ष्मी क्या करती नहीं करती है लक्ष्मी से पूछो, भैया मैं नहीं दे सकती ना। तब उन्होंने लक्ष्मी को पास में गए, बोले माता जी ठाकुर जी का थोड़ा प्रसाद दो। लक्ष्मी बोले तू बीच से कहाँ आ गया, इतने कष्ट करके मैं ठाकुर जी के लिए खाना बना करके ठाकुर जी खाने का बाद जो प्लेट में छोड़ देते हैं उसको ही मैं खा करके जीविका निर्वाह करता हूँ, तू बीच से कहाँ आ गया, प्रसाद नहीं मिला, भागो यहाँ से, भगा दिया उनको। फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए, बोले मैया तो भगा दिए, बताओ क्या करें। बोले देखो तेरे को एक रहस्य बात बताता हूँ, कर पाओगे। बोले प्रभु बताओ। बोले मेरे मंदिर को पीछे एक कुआ है, वो ढका हुआ, वो ढक्कन को खोलना, खोल करके उसमें स्नान करना, स्नान करते ही ये नारद शरीर बदल जाएगा और बड़े सुंदर एक गोपी रूप तुम धारण करोगे। वो गोपी रूप लेकर के तो माँ लक्ष्मी की चरण की सेवा करना, इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना हद से बाहर, जैसे मैया लक्ष्मी खुश होकर के तेरे को वरदान देने के लिए चाहिए। जब फिर प्रसाद मांग, तीन बार कसम खिलाना, प्रसाद मांगना। नारद जी मैया लक्ष्मी की इतने सेवा की, इतने सेवा की। आप देखना जब पत्नी पति को ज्यादा सेवा करती है ना, पति को पता चलता दाल में कुछ काला है, ये ऐसे नहीं कर रही, कुछ मांगने वाली है। आप देखना जब पत्नी को कुछ विशेष चीज मांगना हो पति को क्या करती है, वो ज्यादा सहाद से ज्यादा करती है, करती कि नहीं, करते हो कि नहीं, पति को पता चल जाता है ये कुछ मांगने वाली है, वो ऐसे नहीं कर रही है। फिर जो भोजन कराते हैं ना, जो प्रेम से आनंद से बैठे हुए, फिर धीरे 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 बात को बताती हैं, हैं? इसलिए वो समझ गई लक्ष्मी भैया ये इतनी क्यों कर रही है, हैं? लक्ष्मी तो खुश हो गई, खुश हो करके बोली तेरी सेवा में मैं इतने संतुष्ट हूँ, अभी तक बहुत सेविका आई लेकिन इतना सेवा किसी ने नहीं की, बताओ तुमको क्या चाहिए। बोले तीन बार कसम खाओ फिर मांगूंगा। तीन बार जब कसम खाई बोले ठाकुर का थोड़ा प्रसाद दे दो। लक्ष्मी बोले तुम सही सही बताओ तू है कौन, क्योंकि जो भगवान का जो प्रसाद है ना इसका महिमा सब नहीं जानते हैं। बोले सही सही बताओ तुम कौन है। इतने में श्री नारद जी प्रकट हुए, बोले ओ तुम आया था ना कितने हजार साल पहले प्रसाद लेने के लिए। बोले हाँ। बोले तुमको ये रास्ता किसी ने दिखाया। बोले ठाकुर ने। बोले और उन्होंने कसम खा चुकी थी, जब उन्होंने भगवान को प्रसाद दाल चावल रोटी सब्जी जब दिए, जब ठाकुर जी भोजन कर लिया सब दाल चावल मिला करके उन्होंने श्री नारद जी को थोड़ी सी दिया, माता जी वहीं पर बैठो वहीं बैठो, इसलिए उन्होंने नारद जी को प्रसाद दिया। जब नारद जी को प्रसाद दिया, नारद तो प्रसाद पा करके ऐसे नाचना शुरू कर दिया। नारद जी नाचते नाचते कैलाश में पहुंचे, शंकर जी ध्यान में बैठे हुए थे। बोले आज नारद जी को लगता है कोई विशेष आनंद है। बोले नारद जी क्या बात, आज इतने क्यों नाच रहे हो। बोले ठाकुर जी की प्रसाद मेरे को मिला। बोले देखो प्रसाद बांट कर खाओ तो बैकुंठ जाते हैं, मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं। बोले मैंने कितने हजार साल को बाद में ठाकुर जी माता जी थोड़ी सी मेरे को प्रसाद दिया। बोले देखो जो कुछ मिलता है उसको बांट करके खानी चाहिए, देखो ना मेरे लिए कुछ होता होगा। देखा सचमुच से नारद अभी अभी खाए थे, उनका हाथ में ना एक किनका चावल लगा हुआ था। बोले भैया इतना प्रसाद बहुत है। जब श्री शंकर जी एक किनका ठाकुर को प्रसाद पाए, शंकर भी तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, कैलाश डगवान लग गई। वहां पर माता पार्वती थी। बोले क्या बात है, आज ये नारद और शंकर जी इतने नाच क्यों रहे। माता जी ने पूछा, शंकर जी बोले मेरे को भगवान का प्रसाद मिला। बोले मैं अर्धांगिनी हूँ, नियम होता है पति को जो मिले आधा हिस्सा उसमें पत्नी की है। बोले मेरे लिए कुछ रखा कि नहीं। बोले अरे ये किड़का था। बोले जो कुछ था उसमें मेरी आधा हिस्सा थी। इतने में मैया तो बिगड़ गई। बोले नारद तो बड़े स्वार्थी, इनको मिला तो अकेले खा लिए और शंकर जी को एक किड़का मिला तो वो भी पूरा खा लिए। बोले और मैं ये कैलाश लोक में नहीं रहूंगी, मैं कैलाश छोड़ करके मैं मर्त्य जगत में जाऊंगी। जब श्री जगन्नाथ जी को भोग लगेगा
वो प्रसाद सबसे मुझे मिलेगा। घर की माँ क्या करती है, बनाकर खुद चट कर लेती है, क्या करते हो? सबसे पहले बच्चों को खिलाओगे, पति को खिलाओगे, सास ससुर को खिलाओगे। जब सबको खिला देते हैं, जो बच जाती है माँ क्या करती है, उसको ही माँ खाती है। वो माँ है, उसने क्या कि बोले मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मैं दुनिया को मैं बांटूंगी। इसलिए बोले जगन्नाथ जी की, आप जब जगन्नाथ पुरी जाओगे ना, वहां पर जब जगन्नाथ जी को जो मेन जो सोने की प्लेट है जिसमें भोग लगता है, जगन्नाथ जी को खाने का बाद वो प्लेट सीधा आती है माता विमला देवी के पास में। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है उसका नाम हो जाता है प्रसाद। वही प्रसाद जब श्री भगवान की कोई भक्तों को भोग लगे, वो फिर प्रसाद नहीं महा महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए कभी जगन्नाथपुरी गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए, हाथ उठा। कोई गए नहीं? जगन्नाथपुरी जाना कौन चाहता, हाथ उठा। हाथ उठा, कौन कौन जाना चाहते हो? सब आपको ले चलेंगे रथ यात्रा में। एक बार जगन्नाथ को रथ के ऊपर दर्शन कर लो ना, कहते पुनर्जन्म फिर नहीं होता है, बड़ा महिमा है। इसलिए वहां पर जगन्नाथ मंदिर को चारी तरफ में वहां 33 करोड़ देवता बैठे हुए, 33 करोड़ देवता देखोगे। जब जगन्नाथ जी की भोग लग जाता है, वहां में एक ब्राह्मण क्या करता है, इतना बड़ा मजरा लेगा हैं, इतना बहुत बड़ा लेकर के ऐसे बजा बजा करके ना, जितने 33 करोड़ देवता को निमंत्रण देता है। बोले जगन्नाथ जी को भोग लग गया है, हे देवताओं आप लोग आओ और जगन्नाथ जी की प्रसाद पाओ हैं। इसलिए अरे सारे देवता आकर के जगन्नाथ जी को, सब देवी देवता सब आकर के इसलिए जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए नियम है, सबसे पहले कोई चीज बने तो गणेश जी को नहीं, शंकर जी को नहीं, देवी भोले बाबा को नहीं, किसको भोग लगाओ? सबसे पहले कृष्ण को हो और नहीं तो राम को हो, ये दोनों को किसी को एक भोग लगाओ, फिर ये प्रसाद 33 करोड़ देवता को तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, फिर आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए यहाँ पर श्री भी अभी भी श्री नंदगांव में श्री स्वयं शंकर जी भगवान की प्रसाद के लिए वहाँ भी अभी भी बैठे हुए हो। कभी नंदगांव जाओगे तो जरूर दर्शन करना। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो रहे। बोले कृष्ण कितने बड़े हो गए? बोले जब अपना बच्चा 3 महीना में करवट लेता है, एक दिन कन्हैया ने हठात करवट ले लिया, मैया को तो बड़ी खुश हो गई, क्यों भगवान की भगवान है ना, नंद बाबा जसोदा की बेटा है, हर बात बात में ही उत्सव करते हैं। मैया तो खुश हो गई, आज करवट लेने का आज घर में हम उत्सव करेंगे। इसलिए उन्होंने जितने माताओं को बुला दी और अपना आंगन को उन्होंने साफ सुथरा करके जितने घर की दूध दही को उन्होंने बैलगाड़ी के ऊपर रख दी, कृष्ण को स्नान करा के उन्होंने बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। बोले क्यों? बोले अभी बच्चा, अभी माताएं आएगी कीर्तन करेगी, किसको क्या लेना देना, अगर ये रोने लग गया तो अभी बच्चा को संभालो ना, फिर इनको संभालो। उनने बैलगाड़ी को नीचे उनको लेटा दी, लेटा करके ब्रज गोपियां बैठ करके बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, I'm
की सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे। अभी कृष्णा जो सो रहे थे बैलगाड़ी के नीचे, नींद खुल गई। कृष्णा देखा, हे भगवान, मैं तो गोलोक वृंदावन छोड़कर के इसीलिए आया हूँ, यही आनंद लेने के लिए। मेरे लिए ही उत्सव और मेरा ही कीर्तन, सब कुछ मेरा, लेकिन मेरे को कहाँ सुला दिया, बैलगाड़ी को नीचे। अभी कृष्णा आना चाहते हैं अपना कीर्तन की आनंद। कृष्णा को बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हमें तो अच्छी लगती है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हम घर छोड़ करके आए हो कथा सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए। आपको पता है सबसे बढ़िया किसको लगता है? चले भगवान को। उनका कीर्तन जितने भगवान को अच्छी लगती है और किसी को भी इतना अच्छी नहीं लगती। इसलिए कलियुग में कृष्ण ही, कलियुग में राधा रानी की भाव और अंगकांति लेकर के सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके आए। बोले क्यों? कृष्ण देखा मेरे कीर्तन में, मेरे भजन में इतना आनंद, मेरे रूप में इतने आनंद, कृष्ण राधा रानी जिसको देख करके बेहोश हो जाती हैं, मेरे को जितने आनंद राधा रानी के करोड़ों गुण ज्यादा आनंद आता है, वो आनंद क्या है? इसलिए देखा, जब तक मैं राधा नहीं बन जाऊं तब तक उसका आस्वादन नहीं कर सकता हूं। इसलिए कलियुग में कृष्ण ही महाप्रभु का रूप में आए। कृष्ण स्वयं अपना नाम का कीर्तन करते हुए दोनों हाथ उठाते हुए भगवान के नाम को जब भगवान खुद करते हैं, इतने आनंद भगवान की कीर्तन में है। अभी कृष्ण स्वयं चाहते हैं मैं भी आकर के थोड़ा ये कीर्तन का आनंद लूं, लेकिन कृष्ण का उम्र अभी कितना है? 3 महीने। अभी बच्चा आज का दिन करवट लिया, अभी घुटन पर चलना सीखे तो ठाकुर जी आ सकते, लेकिन अभी तो आज ही करवट लिया। जब उन्होंने आना चाहते हैं, कृष्ण सोचा अगर जोर जोर से रोना शुरू कर दूं, मैया को कान में रोने की आवाज पड़े, मैया क्या करते, बच्चे को गोद में ले लेती है। कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिए, लेकिन वहां तो कीर्तन हो रही थी, मैया किसको लेना क्या देना उसमें लगी हुई थी। अभी मैया के कान में आवाज ही नहीं पड़ी, कृष्ण तो रो 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 कर थक गए। बोले कितना रो, इतना तो रो लिया। अभी कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया ने कंस को प्रेरणा किया, कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था शकटासुर। ये पहले जन्म में हिरण्यकश्यप का बेटा उत्पन्न था। एक दिन उसने लोमर ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके जितने ठाकुर जी के लिए पेड़ पौधा फूल थे उसको तोड़ भर दिए,
ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान इसलिए इतने मोटे छोटे बनाए तेरे को, ठाकुर की बात को उजाड़ने के लिए अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अहंकार, तुम्हारी शरीर नहीं रहेगा। और देखते देखते उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लग गया, सारे नशा उतर आया। फिर उन्होंने ऋषि की चरण में पड़ गई, बोले माफ कर दो, उधार कैसे होगा। बोले जाओ, कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे उनके चरण की ठोकर से कल्याण कराओ। अभी वही सकटासुर बना था, वही उसने ही का रूप नहीं था, कंस भेज दिया कृष्ण को मार करके आओ। इतने में कृष्ण ऊपर तक मामा जी आए, कंस मामा, उनके संबंधी सबके सब मामा लगते हैं। बोले मामा कुछ ना कुछ करेंगे। वो सोचा कृष्ण बैलगाड़ी को नीचे सोए हुए, सोचा शरीर तो थी नहीं, सोचा इसको ऊपर सवार हो जाऊं और दबाते 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 कृष्ण को एकदम दबा दूं। इतने में कृष्ण थोड़ी जो कोमल चरण को उन्होंने चलाना शुरू किया, चलाते चलाते ऐसे ठोकर मारे ये बैलगाड़ी तक एकदम पलट गई, जितने दूध दही सब बिखर गया, जितने गोपियां बैठ करके भजन गा रही थी सबके सब भागने लगी। बोले अंधी तूफान कुछ नहीं, गाड़ी पलटी तो पलटी गई से, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने देखा था, तोतली तोतली बोली से बोले, बोले मैया मैया हम 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 बोले। बोले क्या? बोले गाड़ी कन्हे कन्हे कन्हैया की चरण चरण की ठोकर ठोकर से गिर पड़ा। बोले लगता है भांग की गोला दादा खा ली, लाला आज ही करवट लिया 3 महीना की, और इतना बड़ा बैलगाड़ी कृष्ण की चरण से पलट गई। मैया को विश्वास नहीं हुआ, फिर कृष्ण को लेकर के जहाँ वो कीर्तन कर रहे थे उसको बीच में रख दिया। रख करके फिर गोपियों ने बोले जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग, फिर गाने लग गए। कृष्ण खुश हो गए, बोले तो मैं यही चाह रहा था, अगर पहले से मेरे को ले आती इतना नटखट थोड़ी थोड़ी करता है। यहाँ क्या शिक्षा देते हैं, यहाँ शिक्षा देते हैं जैसे वहाँ उत्सव हो रही थी, लेकिन भगवान को क्या किया, उत्सव से उन्होंने अलग कर दिया। कहाँ लेटा दिया, बोले बैलगाड़ी को नीचे, गाड़ी को ऊपर क्या रख दिया, घर का सारे सामान को रख दिया, दूध दही। इसका मतलब है, अच्छे तरह से समझो, यहाँ का शिक्षा लेकर के जाओ, अगर घर में कोई उत्सव हो, हम क्या करते हैं, शादी हो रहा है, नहीं तो बच्चे का बर्थडे हो, नहीं शादी की सालगिरह हो, हम क्या करते हैं, सारा दुनिया को बुलाएंगे, सारे बंधु बांधवों को बुलाएंगे, और बुला करके पता नहीं कितना बोतलों तोड़वाएंगे, बोतलों तोड़ना जानते हो, कितना शराब पिलाएंगे उनको, फिर क्या करेंगे, कितना मुर्गा खिलाएंगे, कितना बकरी काट कर खिला देंगे उनको। लेकिन भैया जिसने तुमको दिया है, जिसका दुनिया है, जिसने सब कुछ तेरे को दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं करते, वो चुपचाप बैठा हुआ, अपना बच्चे का बेटे का बर्थडे होगा, पता नहीं कितना कुर्ता कितने पैंट पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, लेकिन ठाकुर जी जैसे को तैसे ठाकुर जी बैठे हुए, ठाकुर को सेवा में कुछ नहीं, ठाकुर के लिए सेवा के लिए कुछ नहीं, ठाकुर जी 10-15 दिन हो गया, ठाकुर जी एक ड्रेस पहन करके ठाकुर जी बैठे हुए, आज दिन में हम 2 बार अपना कपड़ा को बदला रहे, साड़ी को बदला करके पहन रहे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा विवाह कुछ नहीं करते हैं। ठाकुर जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे ठोकर मारूंगा ना तुम्हारी, सब पलटा दूंगा, सब सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए जब घर में कोई भी उत्सव हो, उत्सव मतलब क्या, उत मतलब निकाल देना, अगर कोई उत्सव हो, अगर ठाकुर जी तुमने निकाल दिया, क्या रह जाएगा, बोले सब केवल मरा हुआ शरीर रह जाएगा। ठाकुर जी सिखा देते हैं, पहले अपना लिए साड़ी मत लाओ, शादी की सालगिरह होगी ना, पति को बोलेंगे नया साड़ी में लाना चाहता हूँ, लानी चाहती हूँ, अगर पति बोलेगा अरे बहुत सारी साड़ी पहन लेना, हाँ मेरे पास में समय नहीं, बोले पैसा मेरे को, तो मैं खुद गर्दी गर्दी ले आऊँ, हैं। लेकिन ठाकुर जी के लिए हैं, बोलेंगे नहीं ठाकुर जी के लिए 5-10 सेट है, लेकिन तुम्हारे लिए कितना साड़ी, देखो अपना अलमारी कितना सेट बताओ, तुम्हारी कितना साड़ी है, कितने साड़ी होगी, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं, जिसने तुम्हें दिया। इसलिए द्रौपदी ने क्या की, भगवान की अंगुल कट गई, थोड़ी सी उन्होंने साड़ी फाड़ कर बैंडेज कर दी, लेकिन भरी सभा में जो लाज जा रही थी, ठाकुर कितने कपड़े ठाकुर जी दिए, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गया साड़ी खेचते खेचते, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई, दुनिया देख रहे थे साड़ी बीची कोई नारी ना, नारी एक साड़ी बन गई है। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं,
घर में कोई भी उत्सव हो खुद को मत देखो, अपना बेटे के लिए मत देखो, पहले देखो किसको, ठाकुर जी के लिए खाने के लिए कुछ है कि नहीं, ठाकुर जी को भोग लग रहा है कि नहीं, ठाकुर जी के लिए कपड़ा है कि नहीं। उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारी शरीर को अच्छे तरह सजाओ, बढ़िया करके शरीर को सजाओ, सजा करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ, अब क्या देखोगे, जैसे शरीर को सजाया ना परछाई भी वैसे सज जाएगी, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। तो उसी तरह जब जितने जिसकी घर में देखना, जितने ठाकुर जी को अच्छे तरह से सेवा करते हैं, जितने अच्छे तरह से ठाकुर को खिलाते हो पिलाते हो, देखना घर भी उतना फलते फूलते रहेगा, घर भी बढ़िया तुम्हारी चलेगी। अगर घर में तुम्हारी ठाकुर को सेवा नहीं करते तो खुद अपना शरीर को सजाते हो दिन भर, अपना बेटा बेटी छोरा छोरी के लिए दिन भर कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं करते हो, ये पैसा लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की, फिर तो घर में तुम्हारी लक्ष्मी घर में तुमको शांति में रहने नहीं देगी, बहू बहू में लड़ाई लगा देगी, भाई भाई में लड़ाई लगा देगी, केस मामला कोर्ट लगा देगी, नहीं तो कोई असाध बीमारी लगा देगी जिसमें लाख लाख रुपया निकल जाएगी, सही नहीं होगा। इसलिए क्या करो, पहले अपने आप को मत देखो, पहले ठाकुर जी को सेवा करना, ठीक है ना, अच्छी तरह से ठाकुर को सेवा करो, ठाकुर खुश रहेंगे तो घर वाले भी तुम्हारी खुश रहेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए ठाकुर जी चरण मार करके फेंक दिया, मतलब सबसे बड़ा धन मैं हूँ, मैं रहते रहते तुमने ये सब चीज को प्यार कर ले हो, लेकिन तुम मेरे को प्यार नहीं करते, इसलिए भगवान ने ठोकर मारी। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, बोले कितने बड़े हो गए, जब बच्चा देखना करबट ली, बच्चा तो लेते ही देखना, बच्चा कभी कभी अपना जो सांप चलता है ना, बच्चे पेट के सहारा सहारा में चलते हैं, देखना कोई चीज दिखता है ना, बच्चा पेट के सहारा सहारा में जाएगा, घिसरते घिसरते वो चीज को पकड़ता है। पहले हर घर में दहेली हुआ करता था, दहेली समझती कि नहीं, अभी तो दहेली पहले कुछ है ही नहीं, पहले दहेली होता था है, अभी कृष्णा पेट की सहारा से खिसकते खिसकते गए और दहेली को ऊपर, दहेली की ऊंचाई उसके ऊपर चढ़ गई, जब चढ़ गए आधा शरीर बाहर और आधा हो गया भीतर, अभी कृष्णा तो उधर भी नहीं जा पा रहे और इधर नहीं, और बीच में लटकंत हो गया, भगवान लटकंत भगवान लटक रहे हैं, अभी कृष्णा कहीं जा नहीं पा, इतने में कृष्णा रोने लग गए। उसी समय में नारद जी और श्री लोमर से ऋषि प्रभु का दर्शन करने आए, ठाकुर कैसे लीला कर रहे, इतने में नारद देखा ठाकुर तो लटक रहे हैं, नारद देख करके ना हा 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 करके जोर जोर से, उसको बाद में नारद फिर रोने लग गए। इतने में ऋषि ने पूछा, पहले था वह हंसे फिर रो रहे क्यों, बोले इसलिए मैं हंस रहा था, मैं देख रहा था क्या जिस प्रभु का नाम लेने से दीप ये भवसागर से पार हो जाए, ठाकुर क्या दहली को पार नहीं कर सकते, पर ठाकुर जी ऐसे क्यों लीला कर रहे हैं, बोले भक्त लोग मेरे को देख करके इसी लीला में ही डूब जाए, इसलिए भक्तों का सौभाग्य देख करके मैं हंस रहा था। बोले रो रहे थे क्यों, बोले ज्ञानियों के लिए, ज्ञानी लोग भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का रूप नाम लीला है ही नहीं, बल्कि वो प्रभु को लीला को चिंतन नहीं करते, इसलिए उनके दुर्भाग्य को देख देख करके मैं रो रहा था। अभी ठाकुर जी थोड़ी सी बड़े हुए, जब बड़े हुए देखना बच्चा जब थोड़ी सी चलना सीखता है ना बड़ा चंचल होता है, हैं? लेकिन अभी कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं, एक तो अब लोगों ने बच्चों को बड़े किए होंगे, देखना बच्चा जब थोड़ी सी घुटन पर चलना सीख जाता है, नहीं थोड़ी सी इतने चंचल होता है, घर की काम मैया को करने नहीं देती है, मैया अगर काम करते हो कि नजर बच्चे को बढ़ कहीं आँख पकड़ ले, कभी तलवार का हाथ लगा दे मैया वहाँ से बचाए, किसी गैया के सींग को जाकर पकड़ ले मैया वहाँ से बचा कर लाए, किसी तलवार को पकड़ ले मैया वहाँ से बचा कर लाए, उस समय बच्चा बड़ा चंचल होते हैं, और एक एक नहीं दो दो बच्चे कृष्ण और बलराम केवल 15 दिन का छोटे बड़े, इतने दोनों नटखट है, दोनों मैया तो एक मैया तो बच्चे को संभालती हैं और एक मैया घर की काम काज को संभालती है। एक दिन क्या हुआ, पहले बाग लगा हुआ था उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, इतने में कृष्ण बलराम वो फूल तोड़ने का चक्कर में फूल को देख करके अंदर अंदर धीरे धीरे घुस गए, और जो फूल को तोड़ लिया ना पीछे देखा चारों तरफ में कांटा ही कांटा, अभी हम निकलेंगे कैसे, रोने लग गए, मैया बोले ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही,
चाह करके देखा दोनों बच्चे बाहर अंदर में फंसे हुए, निकल नहीं पा रहे। फिर मैया वहां से ला करके फिर दोनों बच्चे को निकालती है। कभी कभी अगर आकाश में पक्षी अगर उड़ते चले जाए, कभी कभी कृष्ण कहते मैया मेरे को ये चिड़िया पकड़ करके ला दे मैया मेरे को, कभी कभी रोते हैं। कभी कभी चंद्रमामा को देख करके बोले मैया मेरे को ये चंद्रमामा ला दे, मेरे को ये चंद्रमामा ला दे। मैया क्या करती है कि पात्र में पानी लेती है, पानी लेकर के चंद्रमा का परछाई पड़ती है, बोले लाला देखो चंद्रमामा, और उसको अंदर में मक्खन की एक डेला डाल देती है। कृष्ण जब ऐसे हाथ मारते हैं ना क्या आ जाते हैं, हाथ में मक्खन की डेला आ जाती है, बोले लाला ये चंद्रमामा खा ले। इतने में कृष्ण खा लेते हैं। अभी कभी कभी कृष्ण बलराम ये दो पार्टी हो जाते हैं। पार्टी होकर के कुछ गोपियां तो कृष्ण के तरफ में और कुछ गोपियां कहते बलराम प्रभु के तरफ में, बोले आज दोनों का कुश्ती लड़ाई होगी, कुश्ती लड़ेंगे, अभी कौन क्या जीतना, कौन जीतता है। इतने में बलदेव प्रभु हाथ को ऐसे करते हुए, हे कृष्ण ऐसे करते हुए दोनों भैया आपस में लड़ते हैं। जब कभी कृष्ण को बलदेव प्रभु बलराम है ना वो कृष्ण को पछाड़ देते हैं, जब पछाड़ देते हैं इतने में कृष्ण आकर के बोलते बोले मैया मेरे को आज दाऊ भैया ने पटक दिया। बोले पटका नहीं, तू मक्खन नहीं खाता है, तेरे को खिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहे, तो खाना नहीं चाहते हो। देखते हो बलराम प्रभु बलदेव कैसे मक्खन खाते, माता जी बच्चे को तू चले जाओ। इसलिए कहते बलदेव प्रभु देखते हो कैसे मक्खन खाता है, तभी तो ताकत आता है। बोले मैया दाऊ भैया का जो चोटी ना बड़ी बड़े चोटी है, और देखो मैया मेरी चोटी कितने छोटी छोटी चोटी है, हैं कितने छोटी छोटी। बोले दाऊ भैया कितने मक्खन खाते हैं तभी तो चोटी बड़ी होती है, हैं मक्खन खाती है ना छोटी बड़ी होती है। इतने में कृष्ण कहते हैं मैं भी मक्खन खाऊंगा, मैया मक्खन ले आओ। इतने में कृष्ण मक्खन खाते हैं और चोटी को हाथ कैसे पकड़ते हैं चोटी। बोले मैया तू तो मेरे को बहका रही हो, अभी भी मेरी छोटी बड़ी नहीं हुई, तो कहते हो मक्खन खाने से छोटी बड़ी बढ़ेगी। ऐसे ही कृष्ण जैसे साधारण बच्चे जैसे लीला करते हैं, ऐसे ही कृष्ण बलराम भी साधारण बच्चे जैसे ठाकुर जी ऐसे लीला करते हैं। इसलिए कृष्ण जब बड़े होते हैं, नंद बाबा एक पहले पहले क्या होता था, हर घर में सालग्राम, नंद बाबा का घर में सालग्राम था। नंद बाबा रोज ये सालग्राम की पंचामृत से अभिषेक करते थे और चरणामृत लिया करते थे। इसलिए नंद बाबा का ये नियम था। क्या नियम था देखो, ध्यान देखो सुनो, कहते हैं कि गृहस्थों को क्या करनी चाहिए, ऐसे नहीं घर से घर नींद से उठे, रात एक दो बजे तक टीवी देखा और सो गए, आठ नौ बजे तक उठे, उठ करके क्या किया बस जल्दी जल्दी भोजन किया चला गया, नहीं। भागवत कहता है गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ का कर्तव्य चार तरह का स्नान है। कितने तरह का स्नान है, कितना तरह का, कहते एक है ऋषि स्नान, एक है देव स्नान, एक है नर स्नान और एक है राक्षस स्नान। कहते ऋषि स्नान किसको कहते हैं, बोले ब्रह्म मुहूर्त में जो नहा लेता है, मतलब सूर्य उदय होने से एक घंटा 36 मिनट पहले जो नहा लेते उसको ऋषि स्नान, उस समय स्नान करते हैं। कहते हैं देव स्नान किसको कहते हैं, बोले सूर्य उदय होने से जो पहले नहा ले। बोले नर स्नान मतलब हम लोगों को कब स्नान करनी चाहिए, सवेरे सवेरे जब सूर्य उदय हो तभी स्नान कर लो। बोले राक्षस स्नान, बोले सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान करते हैं उसको राक्षस स्नान करते हैं। इसलिए देखो पहले पहले माताएं कब स्नान करती थी, सवेरे सवेरे है ना, सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके घर का सारे काम काज करती थी, हैं फिर रामायण पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, ठाकुर को पूजा करती थी, ठाकुर का आरती उतारा करती थी। इसलिए नियम ये है। इसलिए नंद बाबा क्या करते थे, सवेरे उठ करके सबसे पहले स्नान करके, जैसे हम लोग ये तिलक लगाते हैं ना, सबसे पहले हमारी कर्तव्य तिलक लगाओ, क्योंकि तिलक के बगैर जो ठाकुर को पूजा करते हैं उसका पूजा करने का कोई फल नहीं मिलेगा। घर में देखना जब पुजारी कहीं पूजा करने आता है ब्राह्मण, जब तक तुम्हारी तिलक नहीं लगाएगा तब तक तो पूजा नहीं करता है, करता है कभी
क्यों? कहते बगैर तिलक लगा करके जो पूजा करता है उसका पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करो, तिलक लगाओ। छोटा नहीं, नहीं। अब भगवान कृष्ण को देखो, कहीं तस्वीर देखो, भगवान राम को देखो, हनुमान को देखो, फोटा लगा कर देखे कभी? फोटा नहीं लगाते हैं। कैसे तिलक? तिलक इसका नाम करते हो ऊर्ध्व पुंड्र, जो भगवान तक ले जाए। देखना कृष्ण राम नारायण हनुमान का तिलक ऐसे खड़े तिलक होगा। ये जो तिलक है इधर देखो, ये ब्रह्मा है, और जो बीच में जो खाली जगह है ना इसका नाम विष्णु है, और ये है महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये है दो ठाकुर का दो चरण है ये। और देखो नीचे देखो, जो इसका जो शेप है जैसे ठाकुर का चरण में जैसे तुलसी पता देते हैं ना, देखो इसका आकृति तुलसी पता दे। राम को देखो, कृष्ण को देखो, तिलक ऐसे ही तिलक है। हनुमान जी को देखो, तिलक ऐसे ही। जैसे आपको जो सधवा स्त्रियाँ हैं, हमें कैसे पता चलता है सधवा स्त्री है? सिंदूर लगाए हो, मांग भरी हो, नाक में बेसर पहनी हो, चूड़िया पहनी हो, देख कर पता चलता है तुम सधवा हो। ये साधारण जगत का पति के लिए तो तुमने इतने मांग भर लिए, सिंदूर लगा दिए। जो आत्मा का जो पति है, जो पति का भी जो पति जो परमात्मा है, उसके लिए हम क्या धारणा करके रखें? जो हमें पता चले हम भगवान को मानते हैं, कहते ये तिलक है, ये तिलक। इसलिए नंद बाबा क्या करते थे, सवेरे सवेरे उठ करके जो सालग्राम को स्नान कराते थे, स्नान करा के चरणामृत लेते थे। देखो ये चरणामृत का श्लोक है, बोले जो व्यक्ति ठाकुर को स्नान करा के वो चरणामृत लेते हैं, देखो श्लोक है, बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद दकम पित्वा शिरश्चाधारण। ध्यान देख रहे सुना? इसलिए कहते जो ठाकुर को स्नान करके चरणामृत लेता है क्या होता है, बोले अकाल मृत्यु हरणम, अगर असमय में तुम्हारी मृत्यु होगा ना तो मरोगे नहीं, मरोगे नहीं तुम। कहते जितने व्याधि को नष्ट करने वाले, हाँ क्या करने चाहिए? अभी काली की कथा सुनोगे, भगवान ने काली के सर पर क्यों नृत्य किया? उनने ठाकुर का चरणामृत को सर में लगाया था, इसलिए एक दिन ठाकुर जी काली के सर पर ठाकुर जी नृत्य किया है। नंद बाबा रोज रोज घर में सालग्राम को रोज पंचामृत से स्नान करते थे, और वो चरणामृत को ग्रहण करते थे। जब ग्रहण करते थे, एक दिन किया हुआ पंचामृत से उन्होंने स्नान कराया, स्नान करा के पंचामृत में ठाकुर को सिंहासन में बैठाया, और ठाकुर जी को लड्डू भोग लगाया। लड्डू जब भोग लगा करके, देखो नियम है, जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, जो लोगों ने हरिनाम लिए हो, नियम है उसको बाद में गोपाल मंत्र लेनी चाहिए, क्योंकि गोपाल मंत्र से ही ठाकुर को भोग लगता है। ठाकुर को 10 बार बोलनी चाहिए, उसको बाद में गोपाल मंत्र को बाद में फिर आकर के काम गायत्री उसको भी जप करनी चाहिए। अभी नंद बाबा मंत्र जप कर रहे थे ठाकुर जी को, आंख बंद करके पास में कन्हैया था, उन्होंने देखा सिंहासन के ऊपर में छोटी सी सालग्राम, जैसे गुलाब जामुन होता है ना, इतने में कन्हैया सोचा भी गुलाब जामुन है। बाबा तो आंख बंद करके मंत्र जप कर रहे थे, इतने में कृष्ण धीरे धीरे आए और गुलाब जामुन सोच कर ना सालग्राम को मुंह में डाल दिया। जब डाल दिए, इतने में नंद बाबा बोले, आंख जब खोले बोले ठाकुर है नहीं, बोले भैया अभी तो ठाकुर को स्नान करके मैंने सिंहासन में रखा, ठाकुर कहाँ गए? यहाँ तो कोई है नहीं, लाला छोटो सा लाला और कोई है ही नहीं। नंद बाबा ऐसे ऐसे देखे, देख करके देखा ना कृष्ण का जो मुंह है ना ऐसे फुला हुआ, बोले इसका मुंह फुला हुआ तुम। इतने में नंद बाबा ने दोनों अंगुल अंदर में डाला, देखा लाला को अंदर में सालग्राम है। इतने में उन्होंने फिर लाला की मुंह से वो सालग्राम को निकाले, बोले ठाकुर मेरे लाला को बचा लिया, अगर खा लेते तो पता नहीं क्या होता है। इसलिए फिर उन्होंने ठाकुर जी को मुंह में ले लिया ना, फिर ठाकुर जी को उन्होंने फिर उन्होंने पंचामृत को द्वारा ठाकुर जी को स्नान कराया ठाकुर जी को। ऐसे ही कृष्ण बचपन में सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला कर रहे थे। जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे, एक दिन कृष्ण सोचा ब्रज में जो कोई आते हैं वो सबके सब एक चीज को प्रार्थना करते हैं, कहते राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए।
सबके सब क्या चाहते हैं राधे रानी तुम्हारी चरण की हमें धूल मिल जाए, सबके जब यही प्रार्थना करते हैं। इसलिए कृष्ण ने सोचा ये सबके सब ब्रज रज के क्यों प्रार्थना करते, इसका क्या तात्पर्य है? बोलो क्या क्या लगे? तुम दाम बंधन उसे सुनाओगे, दाम बंधन तुम क्या सुनाओगे? इसलिए उन्होंने एक दिन कृष्ण खेलते खेलते संताओं के साथ में ब्रह्मांड घाट में गए और उन्होंने जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसने बचपन में धूल में किसने किसने खेला किया बचपन में? अभी तो शहर हो गया, पहले गांव होता था, धूल में खेलते थे सबके सब। आप लोग हम भी बचपन में खेलते कैसे, जैसे प्यार को ऐसे रख करके ना, जो गिली गिली जो मिट्टी को प्यार के ऊपर रख देंगे और प्यार को निकाल दो ना घर बन जाती है, उसको ऊपर में फिर पेड़ पौधा फिर फूल फूल लगा देते हैं। ऐसे ही कृष्ण की जो सखा लोग थे ना, वो तीन तीन चार चार घर बना दिया। बोले ये मेरे डाइनिंग रूम, ये मेरे बाथरूम, ये मेरी किचन रूम। इतने में कृष्ण सोचा भैया मैं भी तीन चार घर बनाऊं। कृष्ण भी प्यार को अंदर में करके रेती को धूल को ऐसे प्यार रख करके जब नीचे निकालते ना धस जाती हैं। देवता लोग आकाश से दर्शन कर रहे थे, बोले हे भगवान जिनकी एक इशारा पर करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, ठाकुर जी मिट्टी का भी दो तीन घर नहीं बना पा रहे। इतने में कृष्ण को तो बड़ा क्रोध है, बोले तारी के मिट्टी से घर नहीं बन रही है। एक कृष्ण को क्रोध आया, बोले आज तेरे को मैं दिखाता हूँ। कृष्ण तो मिट्टी लेकर खाने लग गए, मिट्टी खाने लग गए। सखाओ ने बोले कन्हैया मिट्टी मत खाया करो, पेट में कीड़े बन जाएंगे, रोगी हो जाओगे, सुने ही नहीं। इतने में दाव भैया जाकर के मैया को बोले, बोले मैया आज लाला तेरे मिट्टी खा रहा है, किसकी बात नहीं सुन रहा है। इतने में मैया भागते भागते आई, डंडा लेकर के सीधा कृष्ण को कानों को पकड़ी, बोले चिंवरे चोर चोटे अभी तक मक्खन खा रहा था, अभी तक तुमने मिट्टी खाना शुरू कर दिया, घर में कोई खाने पीने का कमी है, है? बोले अपवित्र है तू, अपवित्र हो। इतने में बोले बताओ तुम मिट्टी क्यों खाए? बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा लोग बोल रहे, बोले मैया ये सब कैसे झूठ बोल रहे हैं? मैया ये लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ चोरी चोरी करके लाते हैं, मैया तेरे को पता मैं चोरी का चीज कभी खाता नहीं। बोले मैया बोले मेरे को पता सब, तो क्या करता नहीं करता है? और इन लोगों ने क्या किया, जो लड्डू कचौड़ी लाए थे ना मिठाई से बांट कर खाए, मेरे को भी बोले तू खा, मैं खाया नहीं, समझ गए घर में यही चुगली कर देगा भैया को। बोले ये बच्चे लोग घर में चोरी करके लाए थे, इसलिए मैं चुगली करने से पहले ये मेरे नाम पर चुगली कर दिए, और तू इनकी बात जल्दी सुनती, मेरी बात तो मानती नहीं। लेकिन हर मैया को पता अपना बेटा का करतूत सब मैया जानती है। बोले मैया बोले मैं सब जानती हूँ, तू क्या करता नहीं करता। कृष्णन बोले मैया अगर मिट्टी खाया मुँह से तो खाया? बोले हाँ। बोले मुँह खोल कर देंगे? कृष्ण सोच रहे थे शायद मैया मान जाएगी, लेकिन मैया कहाँ मानने वाली थी, एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल में देखना चाहता हूँ। एक धमकी लगाई तो इतने में कृष्ण की मुंह पट खोली गई, जब खुल गई मुंह में थोड़ा बहुत मिट्टी, हाथ में डंडा, कृष्ण ने देखा अगर मैया मुंह में मिट्टी देख लिया ना डंडा सब पीठ में पड़ेगा। इतने में जो इच्छा शक्ति जोग माया ने देखा अगर मैं रहते रहते मेरे प्रभु पीट गए फिर मेरी नाम पर दोष लग जाएगा। इतने में जोग माया ने उसको मुंह में इतनी छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया, कितने ब्रह्मा कितने शंकर कितने नदी कितने पर्वत, मैया खुद को खुद उसके अंदर में मैया देख रही थी। इतने में मैया तो डर गई, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय भगी देव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बिहारी की जय, बनवारी की जय, बिहारी की जय, बनवारी की जय,
मैया तो डर गई, भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड। मैया सोच रही है मेरे लाला होना हो भगवान तो नहीं। जब मैया को कृष्ण ने देखा तो गड़बड़ी हो गई, बोले क्या? बोले मैया सोच रही मैं तो भगवान नहीं। अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान, फिर मैया क्या करेगी? जैसे घर में सालग्राम के लिए छोटी सी घर बनाई और उन्होंने थोड़ी सी बतासा दूध भोग लगा देती है हाथ में घंटी बजा करके, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु सखा तुमैव, तुमैव विद्यां द्रविणा तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। फिर मेरे को भी छोटी सी घर बना करके मेरे को भी बंद कर देगी, मैं जो लीला करता हूँ लीला खत्म हो जाएगी। इतने में कृष्ण जब डर गए, जोग माया देखो भैया गड़बड़ी हो गई, फिर सारे लीला को उन्होंने अंतर ध्यान कर दी। देखो यहाँ पर बहुत कुछ शिक्षा की बात है। अब ये बताओ भगवान मिट्टी खाए थे कि नहीं खाए थे? लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण झूठ बोले, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया बोलेंगे जब भगवान झूठ बोलने में दोष नहीं, क्या हम झूठ बोलने में दोष हैं? तब यहाँ पर श्री बल्लभाचार्य कहते बोले भगवान कभी झूठ बोलते नहीं, क्योंकि भगवान को बताया सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य, भगवान कभी झूठ बोलते नहीं। बोले झूठ तो बोल दिए, तब यहाँ पर उदाहरण दिया बोले खाना किसको कहते हैं? हमसे जब कोई चीज अलग होता है वो खाना, जैसे हमसे कोई अलग चीज जैसे उठा कर खाए उसको तो खाना कहते हैं ना। लेकिन भगवान बोले मैया मैंने कब खाया? विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में, तब खाया कहाँ? दुनिया तो मेरे में ही, मेरे से तो कोई अलग नहीं, इसलिए ये एक कारण। दूसरा कारण है ये जो संस्कृत शब्द है बोले ना अहम भक्षी तवानम भो, ये ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई है, उसको जब संधि करोगे शब्द को जब एक कर दोगे ना, हुआ नाहम। नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। कृष्ण ने कहा मैया मेरे को मिट्टी खाने की बात क्यों कर रहे हो? देख मैया विश्व ब्रह्मांड मैंने खाया है, मेरे से कोई चीज अलग नहीं है। इसलिए भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? बोले मिट्टी का एक नाम है रसा। रसा मतलब होता है रस। भगवान जानते हैं कुछ दिन बाद मैं रास लीला करूंगा, कुछ दिन पहले आपको पता होगा भगवान ने बीज खाए, तभी बीज तो मुंह में खाए, अभी तो उसको पवित्र करना पड़ेगा ना। इसलिए ठाकुर ने क्या किया, मिट्टी खा करके अपना मुंह तो उन्होंने पवित्र कर दिया। इसके बहुत कारण बताए हैं। इसलिए भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? बोले कारण है, भगवान शिक्षा देते हैं। देखो रसखान कहते हैं भैया वृंदावन में जाओ तो दो काम जरूर करियो। बोले क्या है? बोले रमण रेती ले तो नहीं कियो ना जमुना पान, हे मन तू क्या समझो ब्रज के तत्व महा। इसलिए ब्रज में दो काम करना, चाह करके रमण रेती में जहाँ पर ठाकुर जी, जहाँ पर सखाओं को साथ में लौट पोट उठाते लीला करते थे, जरूर जाकर लौटा करो। और क्या करो, वहां पर यमुना में जरूर आचमन लो। तब जब तक ये दो चीज नहीं करोगे ना भैया, तब तक तुम ब्रज की महिमा को तुम नहीं समझ सकते हो। ऐसे ही कृष्ण सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे। एक दिन वो कृष्ण ने देखा, क्या देखा? कृष्ण जो सुंदर सुंदर लीला करते हैं ब्रज गोपियों को, घर घर में प्रभु जाकर बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। अभी गोपियां सोचती हैं कृष्ण तो आकर के हमारी घर में सुंदर सुंदर लीला करते हैं, लेकिन मैया जसोदा को पता ही नहीं पड़ता लाला कितने सुंदर सुंदर लीला करती हैं। एक दिन ब्रज गोपियां आकर के मैया से शिकायत करती हैं, बोले मैया जाने तो आज कहा भयो। बोले कहा भयो, लगता है हमको ये ब्रज छोड़ कर के और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तेरे लाला घर में आकर मक्खन चोरी करता है। बोले मेरे लाला, मेरे घर में क्या कमी है? मेरे लाला जाएगा? अब नंदगांव में जाकर कभी देखना, एक कुंड जिसका नाम छांच कुंड है, इतने छांच होता था पीने वाले नहीं लोग होते थे,
ना लाख गैया जिनके घर में दूध दही की तो नदी बहती थी, अभी वहां पर एक मटकी, कभी जाकर देखना इतना बड़ा, इतना मान जिसमें दूध आ जाएगा दही, और मैया जसदा उसमें दधि मंथन करती थी, हैं? इसलिए इतने दूध दही की नदी बहा करती थी ब्रज में। बोले मेरे घर में क्या कमी, मेरे लाला तेरे घर में जा करके चोरी करेगा? चोरी कौन करता है जिस घर में खाने की नहीं मिलता है, हैं? इसलिए मैया बोले देखो ये काम करियो, तुम्हारे घर में लाला मक्खन चोरी करता? बोले हाँ। बोले ये काम करियो, मेरे जो लाला अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार घर में मक्खन रखियो। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले फिर? बोले तू लाला का शरीर में जो हीरे जवाहरात की जो अलंकार पहनाती हो, वो अंदर में जाते ही अपने आप उजाला हो जाता है। बोले ठीक है, इसको निकाल देती हूँ। लाला आजा निकाल दो। बोले तेरे अद्वैत ब्रह्मोपनिषदि तत्पश्यत अनुभा, भगवान नख की ज्योति की इतने प्रकाश है, वो ज्योति से ही प्रकाशित तो हो जाता है। मैया बोले एक काम करियो, जो दूध दही है ना वो छीके गोबर रखा करो, मेरे लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले फिर? घर में कोई सीढ़ी कोई झीना बनाकर थोड़ी रखे हो? बोले बनाने का जरूरत नहीं, परमात्मा तेरे लाला को इतने दिमागदार बनाया, ताओ भैया तेरे मोटो सोटो उसको नीचे बैठा देते, उसको पर मधुमंगल चढ़ जाता है, उसको पर श्रीधा, और इसको पर खुद चढ़ जाता है और चढ़ करके उतार देता है। बोले और ऊंचा रख दियो। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले क्या करते हैं? बोले साथ में डंडे ले जाते। बोले एक काम करियो, नीचे मटके में मत धरो, ऊपर मटके में मत धरो, माल को बीच में रखो, बस रह जाएगा। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले कैसे? बोलते जिसमें मक्खन हो ना, जिसमें दूध दही हो, देना वो गीली गीली दिखती, पहले तो मिट्टी के पात्र होते थे ना, वो गीली गीली, और जिसमें नहीं हो सूखा सूखा। और ये क्या करते हैं, डंडा ले जाते हैं और डंडे से ऐसे मारते हैं, जिसमें माल हो ना उसमें आवाज़ नहीं होगी, और जिसमें माल नहीं उसमें आवाज़ होगी। इसलिए वो डंडे मार मार कर देखती हैं, बस जिसमें माल हो ना डंडे मार कर फोड़ देती हैं, उसका एक बूंद भी नीचे टपकने नहीं दे, सब के सब सटका जाती है। इसलिए मैया हमने तब हार गए तेरे लाला के सामने। इतने में एक गोपी और आ करके ऐसे बोलती रहती है, मैया बोलती मैं नहीं मानती हूँ, अपना रंगे हाथों से पकड़वा करके दिखा दो। इतने बोले ठीक है। वो गोपी बड़ी जोर जबरदस्ती गोपी थी, लिखी बड़ी गोपी थी, बोले आज तेरे लाला को आज पकड़ करके ला दूंगी। वो गोपी ने किया कि मटकी में दूध दही मक्खन धर करके कोने में बैठी गई छुप करके, बोले आज तो लाला को पकड़ करके जरूर ले जाऊंगी। इतने में कृष्ण आए, आगे देखे पीछे देखे, इधर देखो उधर देखो, कोई है नहीं, जैसे बिल्ली धीरे धीरे चलता है ना, ऐसे बिल्ली जैसे धीरे धीरे गए जा करके मक्खन को खाने लग गए। गोपी कुछ बोली नहीं, क्यों? इसलिए बनाती, कृष्ण के लिए तो बनाती है, भगवान के लिए। बोले अरे शिकायत क्यों करती, शिकायत नहीं करती है, जब कृष्ण घर में आते हैं कृष्ण को तो दर्शन हो जाता है, लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं ना, फिर तो व्याकुल हो जाती है कृष्ण के दर्शन के बगैर। वो बहाना बना बना करके आती हैं, आ करके शिकायत करने का बहाना में कृष्ण को दर्शन करती हैं। दुनिया का मालिक है, उनके लिए तो सब कुछ कर रही है। इतने में कृष्ण जब खा लिया ना, झट जाकर पकड़ लिए, पकड़ कर बोले कहाँ जाओगे, आज तेरे को रंगे हाथ से मैया को पास में ले जाऊंगी। कृष्ण ने कहा देख गोपी, तेरे पाम पड़ता हूँ, तेरे खसम का पाम पड़ता हूँ, तेरे ननद की, तेरी जेठ की, तेरे ससुर की, हैं, मैं पाम पड़ता हूँ, आज छोड़ दे, भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारी घर में मैं नहीं आऊंगो। बोले नहीं, तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं। कृष्ण को पकड़ करके ले आती है, जब ले आती है घर को, सामने नंद बाबा बैठे हुए होते। नंद बाबा कौन है? कभी ये जेठ है, आप लोगों को पता, जेठ को सामने पर्दा करते थे। अभी जेठ को देख करके उन्होंने इतने बड़े पर्दा कर ली करके, और कृष्ण को सर के ऊपर में कपड़ा ढक दी। बोले भैया स्त्री स्त्रियों की बात है, हैं? इसलिए नंद बाबा को बोल करके क्या लाभ है। इन्होंने किया कि बोले पीछे दरवाजा से मैं जा करके पीछे दरवाजा से मैं दिखाऊंगी। इतने में वो पीछे दरवाजा से आई, आ करके बोले मैया यशोदे, ए बात मत कर, कोई चुपचाप वहीं पर बैठो, जो कीर्तन होगा बैठो वहीं पर, जब कीर्तन होगा ना वहीं, उनको तो इधर अंदर में तैयार करो।
जब कीर्तन होगा सारे चीज कीर्तन का समय में यहाँ लाया करना, और जो पीछे आते हैं उनको पीछे बैठाया करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब बैठ जाओ, कोई खड़े मत हो। अभी उसने सोचा मैं पीछे दरवाजा से फिर लाला को लेकर के दिखाऊंगी। वो पीछे दरवाजे से घूम करके आई, आ करके बोले मैया यशोदे। मैया बोले कहा बात है, ये सवेर सवेर क्यों चिल्ला रहे हो? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला घर घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो मेरे लाला को रंगे हाथों से पकड़ करके लाई हूँ। लेकिन उसी समय में मैया जसोदा कृष्ण को थपथप लगा कर सुला लेती। कृष्ण भगवान है ना, है कृष्ण भगवान, वो तो लाई थी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण बन गए, उसका बेटा ही बन गए। कृष्ण दूसरे स्वरूप में आकर पलंग में लेट गए, मैया थपथप लगा कर सुला रही थी। जब सुला रही थी इतने में मैया बोले क्या बात है? बोले तेरे लाला को आज रंगे हाथ से पकड़ करके लाई, तू मानती नहीं ना। मैया बोली भैया मेरे लाला तो सो रहा है, मेरे बिस्तर के ऊपर सो रहा है, अभी तो मैं उसको सुला रही थी। बोले नहीं मैं पकड़ करके लाई हूँ, है मैं पकड़ करके। बोले कहाँ पकड़ कर लाई हो? बच्चे को सर पर कपड़े ढक दिया था ना, जब उनने कपड़े को खोला ना देखा उसका अपना बेटा है। बोले तू कहाँ से आ गया? मैं तो कृष्ण को लेकर के आई थी। बोले तू तो मेरे को लेकर के आई। इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे। जब कृष्ण अंदर में सो रहे थे, भैया ऊपर में किसको एक व्यक्ति को भेज दो, ऊपर में किसी व्यक्ति को एक भेज दो, बंदर जाओ तो संजय जाओ तो देख लो इसको, इसको भगा दो बंदर को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हनुमान लाल की। अभी हनुमान जी कृष्ण मक्खन चोरी करके उन्होंने खिलाया था ना बंदरों को, इसलिए बंदर आकर नाच रहा है खुश होकर। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने में कृष्ण वो सो रहे थे बिस्तर के ऊपर में, इतने में कृष्ण आंख को मलते 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 कृष्ण आए। इतने में कृष्ण ने बोले मैया देख लिया ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं घर छोड़कर कहीं जाता नहीं बाहर, और ये बिना कारण से मेरे नाम पर शिकायत करती है। अगर वो ऐसे शिकायत करेगी ना फिर तो मैं रोज रोज इसको घर में जा करके मक्खन चोरी करूंगा। हैं? इतने में गोपी इतने शर्मिंदा में पड़ गई, बोले ये तो दरवाजा था तो कृष्ण था, कपड़े ढकते बदले कैसे गया है? हैं? बदले कैसे गया? मैया बोली खबरदार आएगा मैं कभी मेरे पास में नहीं आना। वो जो दुखी होकर के जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे रास्ते में आ गई। बोले क्यों गोपी क्या बात है, मैं तेरे कितने पाम पड़ा, तेरी कसम की, तेरे सास की, ननद की, तेरे बिछिया की पाम पड़ा, लेकिन छोड़ी नहीं ना। आज तुमने देखा तेरे बच्चे को मैंने चोर बना दिया, भविष्य में फिर मेरे को लागना तेरे कसम को चोर बना दूंगा। इतने में गोपी बोले कन्हैया मैं हार गया तू जीत गया। ऐसे ही कृष्ण घर घर में कृष्ण मक्खन चोरी करते थे। एक दिन मैया जसोदा बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन है। बोले मैया शादी नहीं होगी। बोले कैसे बताओ, पूरा ब्रज में हल्ला हो रहा है, तो घर घर में चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा? लगता है कुंवारे का कुंवारे रहोगे, शादी वादी कुछ नहीं होगा। बोले मैया सारा दुनिया सोचते हैं किस लिए पढ़ाई लिखाई करते हो, दुकान मकान क्यों बनाते हो, किसके लिए? शादी हो जाए। देखना जो कुछ करते हो उसका एक उद्देश्य में भी हमारी शादी कब हो जाए, सारे इसी के लिए सब करते हो, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी हैं किसके लिए करते हो, घर में शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। जब मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी, दुनिया कहते तू चोर हो। कृष्ण वाले में ऐसे एग्जाम्पल मैया को दूंगा ना, मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मान खायो, सुन मधुबन मोह ए पटाए
ये सूरदास का पद है, आप सब जानते हो। देखो कृष्ण क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोले भैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने मखन नहीं खाया। बोले कि कैसे? बोले भोर भयो गई अन्न को पाचे मधुबन वही बटायो। बोले चार प्रहर बंसी बट भट्ट को सांझ पड़े घर आयो। दिन रात गैया चराया मधुबन में, शाम का समय में आया, आकर के तेरे गोद में सोया था कि नहीं? रात भर दिन भर गैया चराया, रात भर तेरे गोद में सोए, बता माखन कब चोरी की? बोले मैं बालक तो बही अन्न तो छोटो, मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, कितना 37 साल का, मेरी इतने छोटी छोटी हाथ है। बोले काही दीदी छिखा छिके पायो, वो तो बड़े छिखे को ऊपर रखते हैं ना, मेरे हाथ कैसे पहुँचा? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा रहता है। बोले मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हुए, परब सो मुखे लपटायो। ये जो ग्वाल बाल बड़ी दुष्ट खुद तो खाते हैं, और ये जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा करके मेरे को चोर बना देते हैं, और तू बड़ी भोली भाली, और इनकी बात में जल्दी आ जाती है, हमारी बात तो मानती नहीं। इतने में कृष्ण ने कहा, देखो मैया लगता है मैं तेरा बेटा है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कहीं फेंक दिया था, और तुम वहां से उठा करके ला करके मेरे को लालना पालना दी, क्योंकि ये गोपियां भी शिकायत है मेरे नाम पर करते, तुम भी करती हो, लगता है मैं तेरे बालक है ही नहीं। इतना जो बोले ना, मैया का हृदय कम पिघल गया, पानी पानी हो गया। इतने में कृष्ण ने मैया को मैया ने कृष्ण को गोद में भर लिया। बोले नहीं लाला, तुमने मक्खन नहीं खाई, तुमने मक्खन चोरी नहीं की। फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, क्या बोलते हैं? बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो। इसलिए सूरदास का जो पद है ना, इसे उन्होंने पद बनाए, एक शब्द तो दो अर्थ को प्रकाश करता है, मैंने खाई और मैंने नहीं खाई। अभी प्रश्न होता है, कृष्ण मक्खन क्यों चोरी करते हैं? इसका रहस्य को अच्छे तरह से समझो। इसका नाम है मक्खन। मक्खन मतलब क्या? मख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते हैं? बोले जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं, उसी को ही चोरी करते हैं ठाकुर जी। हैं कृष्ण सबसे बड़े चोर है, मन को चुराते हैं, पाप को चुराता है, कष्ट को चुराता है, कृष्ण सब चीज को चोरी करते हैं, हैं? इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, जिसका हृदय में काम, किसका हृदय में काम क्रोध नहीं, बल्कि ये गोपियों का हृदय में ही ये काम क्रोध नहीं है, इसलिए इनका नाम गोपी। गो मतलब तो इंद्रियां, पी मतलब पीना। कहते जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को पान करती है, ये ब्रज की गोपियां हैं। तत्वतः कृष्ण मखन चोरी करने नहीं, गोपियों के हृदय को चोरी करने ठाकुर जाते थे। क्यों? ठाकुर जी भक्त वत्सल है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते जो मखन चोरी करते हैं, हमारे संत लोग बड़े सुंदर एक उदाहरण देकर समझाए। आप लोग घर में कोई मखन बनाए हो? कौन कौन घर में मखन बनाए? ए बच्चा तू जो खड़ा हुआ है, ए माला करने वाले इधर देखो, वहां से किसी को अंदर में आने मत देना। ए तुम जो बैठ गया इधर, सुना इधर, किसी को भी अंदर में आने मत दिया करना। क्या करना? जो आएंगे उनका फल जो लाते खुद ले आना, लेकिन और किसको अंदर में आने देना, ठीक है? वहीं पर ठीक से खड़े रहो। आप लोगों ने मक्खन बनाए हो कभी? कौन कौन घर में मक्खन बनाए हो? सब देखो ये मक्खन कैसे बनाते हैं। पहले दूध लाकर गर्म करो। गर्म गर्म मतलब क्या है? जब किसी साधक के हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, हमें भगवान कैसे मिले, हमें भगवान कैसे मिले, कि जो उत्कंठा है इसको कहते हैं जैसे दूध को गर्म किया। जब दूध को गर्म किया, अभी उसको बाद में जमन डालते हो दही जमाने के लिए। बोले जमन डालना मतलब क्या है? बोले अभी हृदय में तो उत्कंठा आई प्रभु को पाने के लिए, लेकिन ये प्रभु मिलेंगे कैसे? बोले जब तक जीवन में हम किसी सदगुरु का चरण आश्रय नहीं करते, तब तक ठाकुर हमें नहीं मिल सकते। अपनी आप भजने से भगवान हमें
नहीं मिलते हैं। इसलिए जीवन में हमें सदगुरु आश्रय लेनी चाहिए। हैं सदगुरु को जैसे भगवान राम, इनके गुरु जी कौन थे, राम जी का गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी है। बोले भगवान को जरूरत है किसी गुरु के, वो तो जगत गुरु है भगवान। खैर उन्होंने गुरु करना क्यों किया है, उनने दुनिया को शिक्षा दिया है। जब तक जीवन में कोई परमार्थ गुरु ग्रहण नहीं करते हो, भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कृष्ण भगवान है लेकिन शांति बनी ऋषि इनके गुरु है, पढ़ने के लिए गए ना उनके पास में भगवान भी। चैतन्य महाप्रभु जब गया में पिंड देने के लिए, जब गुरु जी से देखे, महाप्रभु कहते हैं आज मेरे गया ना सार्थक हो गया, क्यों अपना गुरु जी को मैंने दर्शन किया है, आज तीर्थ आना मेरी सार्थकता हो गया है। इसलिए भगवान भी जीवन में किसी सदगुरु को आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक कथाकार किसी घर में जाकर कथा सुना रहा था। बोले देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम लेते हैं उनको भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन उसी घर में एक पिंजरा में एक तोता थी। इतने में वो तोता बोलने लगे, बोले बाबा ये झूठ मूठ का बात क्यों बोलते हो, भगवान का नाम लेने से संसार से उद्धार हो जाते हैं। बोले ये झूठ क्या, ये तो सच है। बोले तू मेरे को देख ले, मैं दिन रात ये पिंजरा में बैठ करके जो आता है उसको राम राम करता हूँ। अभी तो क्या छोटी सी पिंजरा से ही उद्धार नहीं हुआ, अब भवसागर तो बहुत दूर की बात है। तो चुप हो गया, आकर के अपना गुरु जी को बोला, गुरु जी ऐसे ऐसे बात। बोले बेटा कल तेरे साथ में चलता हूँ। तो गुरु जी आए, बोले जा बेटा तू कथा करो। फिर उन्होंने आकर के बोले देखो जो भगवान के नाम लेते हैं वो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। फिर तोता बोला, बोले बाबा फिर बोलने लग गया तू। इतने में गुरु जी थे, बोले गलत किया तो सही बोलता है। बोले गुरु जी आप ही मेरे को देखो ना, मैं सबका राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, ये छोटी सी पिंजरा से भी अभी तक मेरी मुक्ति नहीं हुई, और भवसागर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतने में गुरु जी ने कहा, देख बेटा तुमने जो नाम जप करते हो ना, किसी सदगुरु से तुमने नाम नहीं लिया है, इसलिए तेरे को संसार ये पिंजरा से तेरे को उधार नहीं होता है। तब तोता ने कहा, भैया माता माताएं जो आ रहे हैं ना वहीं पर बैठ जाओ, जो जहाँ पर वहीं पर बैठो, किसको अंदर में आप आने मत दिया करो भैया, जो पीछे हो जो जहाँ पर वहीं पर बैठ जाओ, वो आएंगे पीछे बोलेंगे बैठेंगे आगे। जब सिनेमा देखने के लिए जाओ ना तब जाते हो, बाद में जाते हो ना बीच में जाते हो, कब जाते हो, एक घंटा पहले जाएंगे, लाइन लगा कर बैठेंगे, वहां बैठ जाओ कोई खड़े मत हो, बैठा दो सबको। इतने में गुरु जी ने कहा, देख बेटा इसलिए तेरे को उधार नहीं मिला है, तुमने किसी सदगुरु से भगवान का नाम को तुमने नहीं लिया। तोता ने बोले, भैया फिर आप मेरे को कान में मंत्र दे दो। तो गुरु जी ने कहा, देख बेटा जब तक ये पिंजरा में रह करके राम राम कृष्ण कृष्ण करोगे उधार नहीं होगा। बोले गुरु जी आप ही बताओ क्या करनी चाहिए। बोले एक काम करना, अभी कथा होगी ना, कथा को बाद में तुम अपना शरीर छोड़ देने का बहाना बनाना, मरने का बहाना बनाना। जब बहाना बनाओगे तेरे को फिर पिंजरा से निकालेंगे, जब निकालेंगे फिर फर करके उड़ जाना। अरे वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दे। अभी कथा हुई, जब कथा विश्राम हो गया तोता ने शरीर छोड़ दिया। लोग बोले वाह ये भागवत कथा सुनते सुनते तोता ने प्राण त्याग दिया, कितने पुण्यात्मा ये तोता, चलो इसकी अर्थी निकालेंगे। अभी पिंजरा से निकाले, अर्थी सजाया, गले में सुंदर माला डाल करके राम नाम सत्य है करते करते जब ले जा रहे थे ना, इतने में जो तोता फर करके उड़ गया। इतने में गुरु जी ने कहा, क्यों बेटा गुरु जी से मंत्र लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं। बोले हाँ गुरु जी से मंत्र लेने से मुक्ति मिलती है। इसलिए जब तक किसी सदगुरु से मंत्र ग्रहण नहीं करेंगे ना भैया, जो कुछ कर लो संसार से उद्धार होने वाले नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे क्यों बन नहीं जाए, अगर किसी सदगुरु से मंत्र नहीं लिए मुक्ति नहीं होएगा। इसलिए नियम है मंत्र कहाँ लेनी चाहिए, ये चीज को अच्छे तरह समझो। इसलिए ये पद्म पुराण में भगवान खुद कह रहे हैं, बोले चार ही जगह से ही मंत्र तुमको लेनी चाहिए तभी तुम मेरे पास में आ सकते हो। बोले वो चार जगह क्या है,
बोले एक स्त्री संप्रदाय है, एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक सनक संप्रदाय और एक रुद्र संप्रदाय। कहती है मैं खुद बोल दूंगा, आप खुद बैठो। इसलिए कहती है चार ये वैष्णव संप्रदाय है, ये चार वैष्णव संप्रदाय से कोई एक वैष्णव संप्रदाय से ही मंत्र लेनी चाहिए। कोई एक है, ये जो चार ही संप्रदाय है ना, ऐसे नहीं तुम प्याज लहसुन खाते हो तेरे को मंत्र दे देंगे, नहीं मंत्र नहीं मिलेगा। मांस मछली शराब पीते हो तेरे को मंत्र दे देंगे, नहीं देंगे तुमको। और जो चार ही संप्रदाय में गले में कंठी देंगे आपको, ये तिलक देंगे और ये माला झोली देंगे, ये चार ही संप्रदाय में। ऐसे नहीं नाम से हम गुरु मंत्र ले लिया, भजन भजन से कोई मतलब नहीं, तिलक नहीं गले में कंठी नहीं कुछ नहीं, बोले मंत्र लिया, वो मंत्र से कोई काम नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ तो ये श्लोक देखो, ये भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, बोले संप्रदाय विहीनाजे मंत्रास्ते विफला मता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय। ये श्लोक है, कहते मैंने ये चार महाजन को संतों को जगत में भेजूंगा, अगर तुम्हें भक्ति करना तो चारों में कोई एक वैष्णव के पास में जरूर तुमको आना पड़ेगा। वैष्णव मतलब क्या, जो भगवान विष्णु कृष्ण राम को जो भक्ति करते, ये वैष्णव है। जैसे हम लोग वैष्णव संप्रदाय हैं, गले में कंठी तिलक और माला, जरूर ये तीन चीज होनी चाहिए। इसलिए संत लोग उदाहरण देते हैं, जैसे आपको अमेरिका जाना, लंदन जाना, फ्रांस जाना है, कहीं विदेश जाना, बताओ क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास में जो विदेश जा सकते हो। कहते तीन चीज होनी चाहिए, पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट। अगर ये तीन चीज हो, देखो ना साधारण जगत में दो चार प्लेन में दो चार घंटा है, उसके लिए आपको ये चार चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए, नहीं तो नहीं जा सकते हो। साधारण जगत में तुम नहीं जा सकते हो, ठाकुर के पास में नहीं जाओगे। इसलिए जम स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जम जम दूतों को कह रहे हैं, बोले किसको किसको नहीं लाओगे और किसको किसको लाओगे। देखो श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम, कहते जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके शरीर में तीन लक्षण देखोगे, भक्ति करने वालों को देखोगे तिलक जरूर लगाए होंगे। इसलिए देखो कृष्ण को देखो तिलक है कि नहीं, भगवान राम को देखो, हनुमान जी को देखो, आप देखो शंकर जी को देखो, गणेश जी को देखो, तिलक है कि नहीं ठाकुर जी के शरीर में। 33 करोड़ देवता में किसी को भी देखोगे बगैर तिलक कोई देवता भी नहीं रहते हैं, कोई देवता भी तिलक के बगैर नहीं रहते हैं। इसलिए पहला नंबर तिलक लगाएंगे। कहते तुम्हारी ये पासपोर्ट है, बोले भीजा क्या है, बोले गले में तुलसी की कंठी, ये तुम्हारी भीजा है, बस लग गया, अभी तुम विदेश जा सकते हो। मतलब विदेश मतलब ठाकुर जी की चरण में तुम जा सकते हो। देखो ये जो तुलसी कंठी है ना, आप साधारण इसको मत समझो कोई लकड़ी। अभी कोरोना आया था ना, राम दवा ने कोरोना निकला था दवा को, आप उसको पढ़ करके देखना, उसमें 90% ये तुलसी है, 10% केवल दूसरे दूसरे दवा है। रामदेव बाबा पातंजलि में जाना, वहाँ तुलसी की जूस देखना, तुलसी की जूस देखोगे देखना 200 तरह का बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए हमारे भारत में क्या करते हैं, देखो ये आंगन में ये तुलसी वृक्ष लगाए ना, देखो तुलसी वृक्ष भारत में सब लोग क्या करते, तुलसी वृक्ष को लगाते, क्यों, उसमें इतने मेडिसिन है, पृथ्वी में इतने मेडिसिन कहीं नहीं जितना मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। अगर कहीं तुलसी वृक्ष है ना, जम दूध जम महाराज कभी यहाँ नहीं आए, ये तुलसी देख करके समझ जाएंगे भैया लगता है किसी भक्त का घर है। हनुमान जी लंका में कैसे उतरे, केवल ये तुलसी को देख करके हनुमान जी उतरे, जरूर किसी भक्त का घर ही होगा, तब हनुमान जी तभी उतरे। इसलिए तुलसी को साधारण कोई इसको कोई पेड़ मत समझा करो, ये लक्ष्मी है। आप देखना माताएं पीछे बात मत करे, चुपचाप बैठ जाओ जो जहां पर है। इसलिए आप देखना तुलसी को साथ में सालग्राम की शादी होती है, देखे कि नहीं, सालग्राम माता जी का अंदर में आने मत दिया करो, नहीं पीछे बैठो। ये जितने माताएं पीछे आती है लास्ट में, अब बोलेंगे जाकर आगे बैठे, वहीं बैठो जहां जगह मिलता है। इसलिए देखना तुलसी को साथ में सालग्राम की शादी होती है, बोले क्यों,
बल्कि जो तुलसी है ये साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अगर हमारी गले में तुलसी कंठी हो तो हमारी गले में कौन आ गया, कहते हमारी गले में माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। जब भगवान ये संसार छोड़ कर गए अपने आप वो कहाँ छोड़ कर गए, बोले ये तुलसी वृक्ष में छोड़ कर गए। हम कहते हैं ना वृंदावन चलो, बोले क्यों वृंदावन चलेंगे, बोले वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में कौन है बांके बिहारी। वृंदावन मतलब क्या, वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब होता है वन, जहाँ तुलसी का वन वही श्री ठाकुर जी। इसलिए जिनकी गले में ये तुलसी कंठी, अच्छे तरह से सुना ये कथा की सार है। ऐसे नहीं 7 दिन तक आए बैठ करके गए, यहाँ से लेकर क्या गए हो, अगर कथा सुन करके ये 3 चीज लेकर गए ना, समझना भागवत कथा सुनना हमारी सार्थकता हुआ, नहीं तो आए और गए कुछ लिया मिला नहीं तुमको। इसलिए भागवत जो बोलता है इसको ले करके जाओ। इसलिए कहते तुलसी में भगवान की निवास हो गई, इसलिए गले में कंठी मतलब कौन हो गए, लक्ष्मी नारायण दोनों निवास हो गए, लक्ष्मी नारायण दोनों निवास हो गए। जमदूत कभी तुमको नहीं पकड़ेगा, इसलिए जमदूत को जम कहते हैं, बोले जो भक्ति करते हैं मेरे पास से मत लाना, बोले कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, बोले देखना 2 तरह के कुत्ते हैं, कहते हैं कि पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते हैं, देखना उसको कोई नहीं मारते हैं। लेकिन जो फालतू कुत्ते होते हैं जो बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, कहते ये फालतू कुत्ते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं लेकिन फालतू कोई छोड़ता नहीं। इसलिए देखना कुत्ता अगर गली में ज़्यादा हो गए ना पुलिस में रिपोर्ट हो जाता है, ज़्यादा कुत्ते यहाँ पर ज़्यादा कुत्ते हो गए, सरकार से लोग आते हैं कौन सा कुत्ते को पकड़ कर ले जाते हैं गोली मार देते हैं फालतू कुत्तों को, लेकिन पालतू कुत्तों को नहीं ले जाते हैं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी है वो भगवान राम की पालतू, मैं नहीं कह रहा हूँ ये जम सम स्वयं कह रहे हैं। और जिनकी गले में कंठी नहीं वो लोग कौन है बोलो, सबके सब कौन हो गए। हाँ इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए। और जो टिकट किया है बोले भगवान का नाम ही यही टिकट है, क्योंकि देखना अंतिम समय में यही ठाकुर जी के नाम को ही बोलते बोलते ले जाएंगे। राम नाम सत्य है बोलते ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। मतलब क्या बेटा, जितने तुमने राम और कृष्ण नाम लिया वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ जीवन में किया केवल झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रही, सब छोड़ करके जा रहे। इसलिए ये 3 चीज को पक्के कर दो फिर तो सीधा ठाकुर को पास में जाने का टिकट बन गया, तुमको कोई रोक नहीं सकते। ये जम स्वयं जम जो तुम ये बात कह रहे हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते उसमें जमन डाले, जमन क्या है, बोले गुरु मंत्र ही जमन। अभी तो गुरु जी से नाम ले लिया मंत्र ले लिया, फिर क्या माला को लटका कर रख दो, नहीं मंथन करो। मंथन मतलब है गुरु जी से जो माला हमें मिली है रोज ये नाम को रोज करनी चाहिए नियमित पूर्वक, जैसे भोजन नियम से करते हो सोते नियम से। गुरुदेव कहते थे ये माला को कभी भूखे मत रखा करना, भूखा मतलब है अगर एक दिन नहीं जप करा तो भूखे रह गए, रोज निश्चिंत रूप में कुछ ना कुछ ठाकुर जी की माला करते रहो। गुरु जी कहते थे इधर आ जाओ हमारे लिए, तुम इधर आ जाओ। इसलिए गुरु जी कहते थे अगर ये माला को एक दिन नहीं किया तो ठाकुर जी भूखे रह गए। इसलिए कभी भी भूखा अपना को नहीं रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर माला में हरिनाम करनी चाहिए। मंथन मतलब होता है हरिनाम करना, जब मंथन करोगे एक तरफ में क्या निकलेगा मक्खन और एक तरफ में छाछ, बोले ये मक्खन क्या है। जब भगवान के नाम को हम नियम से जप करेंगे क्या होगा, ये नाम से साक्षात भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। जब कृष्ण दर्शन देंगे फिर तो ठाकुर जी हृदय में जब प्रेम प्रकट होगा फिर ठाकुर जी भागते भागते आएंगे और ठाकुर जी वो प्रेम को मक्खन को आस्वादन करेंगे। इसलिए कहते ये मक्खन चोरी की यही तात्पर्य है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन गा लो मेरे, जय जय श्री राम। हाँ देखो।
जाना उसमें थे। कल की जो कथा है ये शाम को नहीं, ये कल की कथा सवेरे है। सवेरे 9 बजे से कथा होगी, 9 से लेकर के 12 बजे तक कथा। उसको बाद में यज्ञ होगा। ये जो यज्ञ है वो साधारण यज्ञ नहीं है, इसमें भगवान नरसिंह देव का मंत्र से और नारायण कवच से यज्ञ हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी करेंगे। ये जो यज्ञ है, नारायण कवच मतलब क्या है, जब इंद्र को ऊपर विपत्ति आई, किसको ऊपर में, स्वर्ग का राजा इंद्र को ऊपर विपत्ति आई, तब ये नारायण कवच से ही उनको उधार मिला। अगर किसके घर में कोई दुख कष्ट है, अगर इसी मंत्र से हवन की आहुति दे, जीवन में तुम्हारे जितने दुख कष्ट है सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्री नरसिंह भगवान की, नरसिंह देव कौन, कथा सुना रहे थे ना, जब प्रहलाद के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्ति आई लेकिन नरसिंह देव ने उनको रक्षा की। कहते अगर उसी मंत्र से कोई आहुति देते ही घर का जितने दुख कष्ट है तुम्हारी, सारे दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगी। ये कथा के बाद में फिर यज्ञ होगी। अगर हो सके तो अपना घर से थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री ले आना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत ले, अगर थोड़ी लाओ। अगर जो कोई गोला लाना चाहे तो गोला ला सकते हो, अगर थोड़ी घी ला सकते हो थोड़ा घी ला सकते हो, तुम्हारे लिए, इनके लिए नहीं, इनके तो कोई खुद लाएंगे। लेकिन अगर आप भी स्वयं आहुति दोगे, तुम्हारी घर का दुख कष्ट जितने, जिसको काल सर्प की जोग है, कोई उल्टा पुल्टा ग्रह किसको ऊपर में, इसमें आहुति देने से सब दुख कष्ट दूर हो जाएगी। इसलिए कल हवन होगी, फिर हवन के बाद में फिर सभी के लिए प्रसाद की भी, बढ़िया बढ़िया प्रसाद की भी व्यवस्था होगी, हैं, सब लोग प्रसाद बना। क्योंकि कल हम लोग शाम को 3 बजे हम लोग जाएंगे हिमाचल जाएंगे, क्योंकि परसों से फिर हमारी वहाँ भागवत कथा हिमाचल में, इसलिए हम कथा को ये सवेरे कथा हो रही है, ठीक है, कल सवेरे। और जो कल की जो कथा है, जैसे कोई बीच में आए, कोई पूरी कथा नहीं सुन पाए, कोई आधा कथा में आए, लेकिन कल की जो कथा सुन लेते हैं उसको 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगा। इसलिए कल कथा की विशेष विशेष महत्व है। प्रभु जी एक भजन गाएंगे, प्रभु जी एक भजन बोलो। Oh,
Oh,
Thank you.
यहाँ उपस्थित ब्रह्मचारीगण भक्तविंद महात्मिंद सबके चरणों में यथा योग्य मत प्रणाम करता हूँ। आज हमको छठा दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते करते, है ना। पर इस कथा में से मूल क्या लेके जाएंगे? भगवान का नाम, क्योंकि कलयुग के जीव के पास कोई और रास्ता है भी, है ना। इसमें क्या है, यहाँ पर केवल नाम से ही कल्याण हो सकता है, है ना। तो पहले तो नाम की महिमा समझने से पहले इस शरीर की महिमा समझनी पड़ेगी। ये है कुछ महिमा इसकी या नहीं है, है ना। तो कल महाराज जी ने मुझे आदेश दिया था कि वो कथा जरूर बोल रहे। तो पहले शरीर की महिमा समझते हुए शरीर की कीमत क्या है, फिर इसमें रहते हुए शरीर के रहते हुए हमको नाम करना है, उस नाम की महिमा के चुपचाप बैठ गया ये हमको जो है बैठो मिल जाएगा हमको। तो आप वहीं पर बैठे। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, जाते जाते क्या हुआ, उसको एक चमचमाता हुआ पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उठाया और उसके बारे में कुछ जानता नहीं, वो है क्या, ऐसे देखा चारों तरफ से, तो लगा वो कांच का टुकड़ा है, चलो कुछ काम नहीं आएगा तो घर का बच्चा खेलने के काम तो आ ही जाएगा। ले आया और ला कर इसको दे दिया। घर में छोटा सा बच्चा आया जो अभी तक मिट्टी में रेत में खेल रहा था, उसी को दे दिया। अभी बच्चा क्या कर रहा है, उसको ले करके रेत में खेल रहा है। जब वो रेत में खेल रहा है बच्चा कभी उछालता है, कभी गिराता है, कभी इधर मिट्टी लगाता है, कभी ऐसे करता, खेल रहा है। खेलते खेलते जब वो खेल रहा था, उसके वहां से एक साहूकार गुजरा। कौन गुजरा? साहूकार सेठ। उस साहूकार ने उस पत्थर को जैसे ही देखा वो पहचान गया ये क्या है ना। सब्जी बेलने वाले से पूछोगे कि भैया मणि की कीमत क्या है, तो वो नहीं जानता, है ना। पर एक साहूकार बता सकता है मणि माणिक की कीमत, वो दूर से पहचान लेगा, वो जानता है क्या। तो उसने दूर से देख के पहचान लिया, एक विशेष मणि बहुत महंगी बिकेगी। उसने बच्चे को बोला बेटा इधर आओ। तो बच्चा दूर से देख रहा खड़ा हो गया, और जब बच्चा देख रहा है उसने कहा बेटा ये मेरे को दे दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने दूंगा। बच्चा बोला नहीं मम्मी से कह दूंगा। बच्चे से यही तरीका होता है, नहीं मम्मी से कह दूंगा। उसने बोला बेटा चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारे खिलौने दूंगा दे दो। बच्चा तो बोला नहीं मम्मी से कह दूंगा। अब वो बार बार उससे बहस कर रहा है, बच्चे की आवाज बार बार बढ़ती जा रही है। जब ज्यादा तेज हो गई तो अंदर से मम्मी निकल के आई, है ना। बच्चों को बार बार छेड़ता तो कौन निकल के आता घर से, मम्मी निकल के आई। मम्मी आई ना, जैसे ही माँ ने देखा मेरे बच्चे से छेड़ना हो रहा है, मेरे बच्चे से क्यों परेशान कर रहे हो। बोला माता जी ये जो बच्चा आपका खेल रहा है ना, ये तो बच्चा जिससे खेल रहा है इसे तो खिलौने चाहिए ना खेलने को, आप ये मेरे को दे दो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो उसने सोचा शायद कुछ होगा, बोला देखो हमारे बच्चे से बढ़कर 10,000 रुपए नहीं है, हमारा बच्चा खेलेगा हम नहीं देने वाले। बोला माता जी देखो एक काम करो, 10,000 नहीं ना 1,00,000 रुपए दूंगा। अभी तो माता जी की आंख थोड़ी बड़ी हुई, 10,000 से 1,00,000 जरूर कोई बात है। फिर भी बोली चलो थोड़ा सा तो बच्चा भी है तो देखा उसने जरा, वो भी रोएगा लेंगे। तो बोली नहीं नहीं बच्चे से बड़ा नहीं है। बोला माता जी देखो मैं 10,00,000 रुपए दूंगा, जैसे 10,00,000 बोला ना बच्चे से छीन ले। बोला आपको रो रहा कोई चिंता नहीं, क्यों अभी क्या पता लग गया, कीमत पता लगी, भाई पूरी पता नहीं लगी है, अभी तो शुरुआत हुई है। और छीन के क्या किया, अब पता लगे छीन के ना भाग जाए, अकेली औरत बच्चा साथ में भर जा क्या था। बोले देखो भाई हम नहीं बेच रहे। बोले देखो दीदी 10,00,000 में नहीं मान रहे ना, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको 1,00,000,000 रुपया दूंगा। अब तो उसने और तेज हार्ट टाइप कर लिया, बोले भैया तो दे नहीं। बोले देखो शाम को मेरे पति आएंगे, मैं उनसे डिस्कशन करूंगी, उसके बाद तुम कल आना, हमें देनी होगी तो देंगे, नहीं देनी होगी तो नहीं देंगे। अभी क्या करेगी, अब उसको बच्चे को खेलने के लिए देगी दोबारा, क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी, कहाँ ले जाके रखेगी, उस वाली जगह पर रखेगी जो आज तक पति को भी नहीं पता कहाँ रखा है। तो क्या पता पति हाल में कहते सारे पैसे मैं दूंगा, है ना। तो वो होता ना, तो ऐसी जगह छुपा कर रखेगी जहां से उसके अलावा कोई और ढूंढ ना सके, क्या पता लग गया उसको उसकी कीमत वैल्यू पता लग गई। तो ये तो भगवान ने हमको शरीर दिया, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये किसके लिए दुर्लभ है,
बोले जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना वो भी ये शरीर पाने के लिए तरस रहे, उनके लिए दुर्लभ है। हम शनि देव सूर्य देव इत्यादि जिनकी उपासना में लग रहे हैं ना उनके लिए भी शरीर क्या है, क्या है? सुदुर्लभ। कितना है? सुदुर्लभ। कैसी है? इसका इको बंद करते हुए करो। हरे कृष्णा। माइक वाले भैया इसका इको बंद करो। क्या है? सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। किसके लिए? देवताओं के लिए। हमको तो मिल गया, अभी तो हमको कीमत समझ में नहीं आ रही। हम समझ तो रहे कि देवताओं के लिए भी सुदुर्लभ है, किंतु क्या हम इसकी कीमत, हम तो उन्हीं देवताओं की पूजा कर रहे हैं पाकर भी, जिनके लिए इसको पाना सुदुर्लभ है, हमको मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर उसी में लगे रहेंगे जीवन भर तो क्या होगा? उसी बच्चे की तरह मिट्टी में रेत में इसको क्या कर देंगे? लुटा देंगे। पता ही नहीं चलेगा क्या करने आए थे, क्या किया इससे। अब दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसी शरीर में आकर के आप भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, है ना। जैसे कल महाराज जी सुना रहे थे वाल्मीकि जी के विषय में, दशरथ ना करते पहले, है ना। और जब उनको नारद जी मिले, उन्होंने बोला भाई इतना पाप इतना तू किसके लिए कर रहा? उसने कहा ना परिवार के लिए। जब सबके पास भेजा उन्होंने तो सबने मना कर दिया, बोले हम तेरे पाप के भागी बनने वाले नहीं है। पिता ने कह दिया हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, हमने तुझसे कभी कहा हम कैसे कमा के ला रहे हैं, इसलिए अब तेरा कर्तव्य हमें खिलाना, तू कहां से लाएगा, अपने पाप को तू खुद ही भोगेगा, हमको कोई मतलब नहीं। जब माँ से पूछा, बोले मैंने तेरे को 9 महीने गर्भ में रखा, मैंने तेरे से पूछा कि मैं कैसे तेरे को पाली, अभी मैंने तेरे को पाला था, तेरा कर्तव्य मुझे पालना, तू क्या पाप करेगा तुझे खुद भोगना पड़ेगा, मैं उसको बांटने वाली नहीं। पत्नी से पूछा, पत्नी बोली मैंने अपना सर्वस्व यहां तक अपना मान सम्मान भी तुझको दे दिया, मैं क्यों तेरा भोगूंगी, तो अपना खुद भोगेगा। बच्चों से पूछा, बोले देखो दादा ने क्या कहा, कर्तव्य है, तुमने हमको जन्म दिया, पालना तुम्हारा काम है, जब तुम बुढ़े हो जाओगे हम तुमको पालेंगे, हम भी तुम्हारे किसी पाप को भोगने वाले नहीं। अब तो गया नारद जी के पास वापस, कितना पाप किया जीवन में। तो महाराज जी ने कल सबसे बुलवाया था, बोलो राम, बोलो राम, हाँ बोलो कृष्ण कृष्ण। देखो भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बोल पाए, कारण है ना। भगवान कैसे निकलता है पता है आपको? भगवान भगवत गीता में कह रहे 100 जन्म, कितना 100 जन्म पहले कोई मेरा अर्चन पूजन इत्यादि सब कर लेता है, उसके बाद 101वें जन्म में, और 100 जन्म अर्चन पूजन कौन करेगा? मनुष्य करेगा ना, कुत्ता बिल्ली तो करेंगे नहीं अर्चन पूजन आरती कुछ भी, कौन करेगा? मनुष्य करेंगे। 100 जन्म मनुष्य के बिताने के बाद, इस तरह से अर्चन सब विधियां करने के बाद, हम 101वें जन्म में हमारे मुंह से राम कृष्ण निकल सकता है। तो आप सबका कौन सा जन्म है अगर राम कह पा रहे हो? तो वही 101वां जन्म है, पिछले 100 जन्म अर्चन पूजन सब करके आ चुके हो। भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि 100 जन्म ऐसे बिताने के बाद व्यक्ति की वो स्थिति बनती है जब वो राम और कृष्ण कह सकता है। तो हम कह पा रहे हैं, तो हम तो सबसे पहले हड़के में ले रहे हैं, किंतु जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा 100 जन्म पहले हम ये सब कर चुके हैं, जो हम लग रहे हैं दान पुण्य इत्यादि यज्ञ इत्यादि सब करके आ चुके हैं, तब हम 101वें जन्म में जब राम कृष्ण कह पा रहे हैं। यदि इस जन्म में भी राम या कृष्ण का नाम नहीं किया तो क्या होगा? फिर वो लाइन चालू होगी 100 जन्म वाली, फिर वो सीढ़ी हमको पार करनी पड़ेगी, फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो जब वाल्मीकि जी से कहा, बोले कहो राम, बोले प्रभु इसे छोड़ के सब कुछ कह सकता हूँ, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि जीवन मन तो मारा है मैंने लोगों को, मैं इस शब्द को नहीं कह सकता। लोग कह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं राम नहीं कह रहा, राम कह देते तो फिर मरा क्यों कहते। और एक और चीज यहाँ पर शिक्षा है बहुत बड़ी, कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से मरा मरा नहीं कहा। लोग कहते हैं ना उनने भी तो उल्टा करा, हम तो जैसा जब रहे होगा काम होगा, किंतु हमें समझना पड़ेगा उनको वो मरा मरा बोलने के लिए कहा किसने, वो राम नहीं कह पाए ना। तो नारद जी ने कहा मरा मरा तो मारा तो है लोगों को, मरा मरा कह सकते हो? बोले हाँ मरा मरा तो कह सकता हूँ। तो बोले ठीक है मैं कह रहा हूँ मरा मरा कहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो यदि हमें नारद जी जैसा कोई व्यक्ति आके कह दे कि अपनी मनमर्जी से मरा मरा कहने से हमारा काम हो जाएगा, तो हो जाएगा, गारंटी की बात है। किंतु क्या हमें नारद जी जैसा कोई व्यक्ति मिला? नारद जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उन्होंने मोहर लगाई मरा कहने पर भी तुम्हारा कल्याण होगा तो हुआ। अब हम अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि लगा कैसा विचार करेंगे तो हमारा होगा? नहीं, क्योंकि भगवान अपनी बात को टाल सकते हैं किंतु अपने भक्त की बात कभी टाल नहीं सकते। इसलिए नारद जी के आश्वासन देने पर उन्होंने क्या कहा? मरा मरा कहा। और क्या हो गया? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए। तो देखो इस नाम की बड़ी महिमा है, आप ले पा रहे हैं।
इसी के लिए नाम की क्या महिमा है, श्रीमद् भागवत में ये कथा है अजामिल की, है ना। तो एक समय ब्राह्मण अजामिल नाम का बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था, किंतु एक दिन क्या हुआ, वह एक वन से गुजर रहा था जंगल से, उसने एक असती स्त्री को देखा। असती कल महाराज ने समझा था, सती वो जो पतिव्रत धर्म का पालन करे, और सती वो जो वैश्या है, क्या है, वैश्या। तो एक वैश्या को उसने देखा, उसके रूप को देख करके वो इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया, घर परिवार पत्नी बच्चे सब छोड़कर उसी के संग रहने लग गया। अभी गांव के लोगों ने क्या किया, तो ऐसा व्यक्ति हो तो उसे तिरस्कार कर देते, पहले उसे गांव के बाहर निकाल दिया। वो गांव के बाहर एक घर बना के रहता है, और एक एक करके उस वैश्या से उसे कितने बच्चे हो गए, 9, कितने हो गए, 9, और 10वें बच्चे की वो क्या है, गर्भवती। जब वो गर्भवती है, उसी समय उस गांव में कुछ साधु आए, उन्होंने लोगों से पूछा, बोले भैया इस गांव में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार हो तो हमें बताओ, हम उसके कुछ समय रुकना चाहते हैं। अभी गांव के लोग आप जानते हो, जो ऐसी बात करता है ना, ओ बहुत बड़े पंडित, अभी हम बताते हैं। मजाक के रूप में कह दिया, गांव के बाहर अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते, परम संत, परम शुद्ध ब्राह्मण है, वहां चले जाओ। अभी तो अजामिल के पास चले गए। अभी वैष्णव का स्वभाव क्या होता है, प्रभु मैं तो बड़ा दीनहीन हूँ, बड़ा ही ऐसे बोलते ना अपने लिए, मैं तो कुछ नहीं जानता। अभी अजामिल के पास मैं तो सच बोल रहा है, हे प्रभु मैं तो बहुत ही पतित ब्राह्मण हूँ, है ना, मैं तो पतन हो चुका है, इसीलिए गांव के बाहर रहता हूँ। किंतु वो साधु क्या समझ रहे, बोले ये तो वैष्णव है, वैष्णव गुड़ होता है ना, और हम तो यहीं रुकेंगे जैसे भी हो, और जबरदस्ती साधु उनके यहाँ रुक गए। किंतु अजामिल ने जब वो 2-3 दिन रुक गए, अजामिल ने प्रार्थना की, प्रभु मैंने जो आपको कहा वो सत्य था, मैं इस वैश्या, जो मेरी पत्नी है, पहले क्या थी, वैश्या थी, संग करने के कारण वो पतित हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे घर में रह लिए ना, अभी देखो तुम्हारे अब जो संतान होगी ना, उसका नाम तुम नारायण रख देना, क्या रख देना, नारायण, ठीक है। वो तो चले गए, कुछ महीनों के बाद उसकी पत्नी के गर्भ से जो संतान जन्म ली, 10वां जो संतान जन्म हुआ, उसने उसका नाम क्या रख दिया, नारायण। अभी तो बूढ़ा भी हो चुका है, अभी आपको बताया बुढ़ापे में जो अंतिम कोई घर में बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, हर बात पे नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, ऐसे हर समय नारायण नारायण की रट लगाता है। एक दिन क्या हुआ, मृत्यु का समय नजदीक आया। अभी कुछ लोग बोलते हैं अजामिल मर गया, अरे भाई भागवत में मरने का वर्णन नहीं है। वो जैसे ही उसने उस स्थिति में मरने की स्थिति आई है, मृत्यु निकट आई, उसने यमदूतों को देखा, 3 भयंकर यमदूत उसके सामने आके खड़े हो गए। तो उसने क्या बोला, बेटा नारायण बचाओ। अभी नारायण तो आया नहीं आया ना, लेकिन यमदूतों ने देखा उसके ठीक पास में 4 चमकीले लोग चतुर्भुज रूप में उसके सामने आके खड़े हो गए। बोले भैया आप कौन हो, बोले हम इसको लेने आए हैं। बोले आप कौन हो, बोले हम भी से लेने आए हैं। बोले क्यों, बोले ये पापी है, इसने जीवन भर पाप किया, वैश्या का संग किया, इत्यादि के पतित व्यक्ति, इसको हम लेके जाएंगे। बोले इसको हम लेने आए हैं। बोले ये पापी नहीं है। बोले क्यों, बोले इसने अभी भगवान का नाम उच्चारण किया है, और वो नारायण नाम हमारे प्रभु का है, इसलिए हम विष्णु दूत हैं, हम इसको लेने आए हैं। बोले इसने तो बेटे को पुकारा, अरे बोले इसके बेटे का नाम तो अभी 4 साल का बेटा हुआ है, नारायण नाम तो कब से है, अरे इसके बेटे का नाम नारायण नहीं है, नारायण तो हमारे स्वामी का नाम है, इसका बच्चा तो भी 4 साल का, नारायण नाम तो अनादि है, तब से हमको भी नहीं पता, इसलिए हम लेके जाएंगे। वो जबरदस्ती होने लगी दोनों में। अभी तो अजामिल लेटा हुआ देख रहा है दोनों तरफ विष्णुदूत यमदूतों में युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो विष्णुदूत ने मार मार के यमदूतों को बहुत पिटाई करी, भगा दिया। अभी वो यमदूत गए यमराज जी के पास, और जाकर के सीधा अपना जो किताब लेकर रखते ना, खटक बड़क सब रख दिए। बोले प्रभु हमको आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्या हुआ, बोले आपने बोला था पापियों को लेके आना, नीचे गए एक पापी को लेने के लिए, उसको बचाने इधर लोग आए, इतना मारा सब मार मार के भगा दिया। बोले कैसे थे, बोले चमकीले चतुर्भुज रूप धारण करके विष्णुदूत बता रहे थे। बोले वो व्यक्ति जिसके पास वहां, वो साधारण नहीं है, भगवान का नाम कर। बोले नाम की महिमा क्या है, बोले नाम करने से क्या मिलेगा। तब उन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं साधुजन के, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस हो। क्या कह रहे हैं, बोले भाव से जैसे कोई अभाव से जैसे,
आलस से जाप करे तो लगते मैं मन नहीं कर रहा फिर भी कर रहा और आलस से मैं पड़े पड़े कर रहा है। बोले क्या होगा? बोले नाम करने से दसों दिशाओं में मंगल होगा, एक दिशा में नहीं, चलो पूर्व उत्तर में नहीं, दसों की दसों दिशाओं में मंगल होगा। बोले इसकी बराबरी क्या है? बोले इसकी बराबरी का नाम के बराबर क्या है? बोले कहां कहां तक नाम बढ़ाई, राम न सकाहे नाम गुण गाई। बोले कहां तक नाम की बढ़ाई करूं, कहां तक नाम की बढ़ाई करूं? अरे स्वयं राम भी अपने राम की महिमा नहीं बता सकते, भगवान भी नहीं बता सकते, मैं कहां से बताऊंगा। बोले फिर ये बताओ सीधी सीधी बात, किसको लाना है और किसको नहीं लाना है, हम किसको लाए और किसको नहीं। तब यमराज ने कहा देखो जिसके माथे पर तिलक ना हो, जिसके गले में कंठी ना हो और जिसकी रति जिसका मन भगवान के चरणों में ना लगता हो, ऐसे व्यक्ति को गला पकड़ करके घसीटते हुए यमलोक में लाना। किंतु जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके गले में भगवान की कंठी हो, जिसकी जिभ्या पर भगवान का नाम हो, उसको दूर से ही प्रणाम करके लौट जाना। ठीक है, अभी विष्णु दूत भी चलेगा, यम दूत भी चलेगा। अभी अजामिल एकदम से बोला मैं तो सपना तो नहीं देख रहा था, वो उसको समझ में आया अरे गलती से बेटा नारायण का नाम लिया, मैंने बेटे को बुलाया तो नारायण के नाम में इतनी शक्ति। बोले अगर मैंने बेटे का नाम लिया और बिल्कुल भाव नहीं था भगवान को, तो भाव ही नहीं था उसका। बोले यदि मैंने अभाव से लिया कुभाव से लिया तब मेरे को यह फल मिला कि विष्णु रूप बचाने आ गए, यदि भाव रूप से मैं भगवान का नाम जपूंगा तो क्या होगा। उसके बाद हम कुछ और समय पृथ्वी पर रहे, बड़े सुंदर रूप में उन्होंने भगवान का नाम जप किया और बाद में भगवान के धाम को गए। तो यह है नाम महिमा। तो इस शरीर की महिमा समझने के बाद इस शरीर से हम क्या करने के लिए आए हैं? बोले केवल एक काम, जिसको देवता भी यहाँ करने आते थे, हम भगवान का भजन करने आए हैं यहाँ पर। तो यदि हम राम कृष्ण कह पा रहे हैं तो ये केवल एक बार कहने के लिए नहीं, निरंतर हमेशा लगातार हमें नाम करना होगा, नहीं तो क्या होगा, अंत समय भगवान का नाम आएगा नहीं आएगा किसी के पास गारंटी नहीं है। ठीक है, तो बड़े सौभाग्य से जैसे हमारे गौ सुंदर प्रभु ने कल एक कथा सुनाई थी बंदूक की गोली वाली, तो साधु के मुख से जब वो नाम ग्रहण करेंगे तो वो सिद्ध होकर निकलेगा। जैसे बंदूक में गोली लगते पूर्ण प्रहार करती है ना, जितने मीटर जितने रेंज की होती है ना, उस रेंज में उससे कम पे तो रुकेगी, उससे ज्यादा जा सकती है पर कम नहीं जाएगी, उतना प्रभाव वो जितनी बनाई है उतना लगन, जहां टकराएगी तो छोटा छेद करेगी पीछे इतना बड़ा करेगी, ये काम है उसका, आगे छोटा और पीछे बड़ा, यानी जैसे टकराती है आयत बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो जो नाम है भगवान का किसी सद वैष्णव गुरु से लेने से क्या होता है, वो वास्तविक रूप में वो काम करता है, क्योंकि हमें तो इतनी शक्ति नहीं कि हम उस नाम को सिद्ध कर पाए, किंतु साधु मुख से लेने पर वो स्वतः सिद्ध मिलता है हमको, और उसे करने पर हमारे जीवन के जितने कलमस हैं जितने पाप हैं वो क्या है, स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य कि हमारे बीच में महाराज जी भी हैं और आप सबका भी सौभाग्य, जो चाहते हैं कि 101वां जन्म कम से कम हमें समझ में आ रहा, हम राम कृष्ण कह पा रहे हैं, सौभाग्यशाली नहीं, तो आपको उदाहरण देता हूँ, आप इसको करके देखना। एक व्यक्ति आए आपके पास, आपको अगर यह पता करना हो भगवान का भक्त है या नहीं, वो खूब कहता हो हम तो वहां जाते हैं, हम तो फलाने मंदिर के दर्शन करते हैं, फलाने मंदिर के दर्शन करते हैं, आप उसके सामने कथा करना शुरू कर देना, बस क्या करना शुरू कर देना, कथा देखना, एक आध मिनट सुनेगा, दो मिनट सुनेगा, तीन मिनट सुनेगा, चार मिनट सुनेगा, बोलेगा भैया वो काम था वहां पे क्या हुआ, बोले नहीं सुन सुन सुन, अगर तुमने 10 मिनट सुना उसके भाग जाएगा, पता लगेगा कितना बड़ा मन से कितने यात्रा करी सब पता है। जो रसिक होगा ना वो जैसे ही सुनेगा वो सुन सुन के उसका मन भरेगा नहीं, क्या होगा सुनता जाएगा फिर दूसरे दिन फिर आएगा, प्रभु कल वाली बात है, बोले अब समय हो गया कल फिर आना आगे की बताऊंगा, तो रसिक होगा तो क्या समय से पहले आके कल बैठ जाएगा, समझ आ रहा है। तो जो लोग बोलते हैं हम तो मन से कर रहे हैं वो केवल अपने मन को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो अवसर है, महाराज जी हैं कल तक और रहेंगे, जिसको नाम ग्रहण करना भगवान का चाहता है, 101वां जो ये जन्म है हम राम कृष्ण कह पा रहे हैं, सौभाग्य को संपूर्ण रूप में अपने जीवन में लाना चाहता है, तो कल आकर के हरि नाम ग्रहण कर ले। ठीक है, और नहीं तो ये अवसर समय किसके पास कितना है किसी को नहीं पता। ठीक है, वांछा अकल्प तरुण वश्च कृपा सिंधु गयोचा पतिता नाम पावन भयो हरि नाम संकीर्तन की। वशिष्ठ जी है यहां पर, हे वशिष्ठ, हाँ देखो अभी भगवान श्री रामचंद्र आने वाले, भगवान श्री रामचंद्र आने वाले, एक समय मैया यशोदा
कृष्ण को गोद में सुला करके उसको थपथपी लगा करके रोली सुना रही थी उसको, जैसे माताएं बच्चों को छोटी छोटी कथा सुनाते हैं। अभी छोटी छोटी कथा किसकी कथा सुना रही थी? भगवान राम की कथा सुना रही थी। बोले तो देखो लाला, बात मत करो। बोले देखो लाला, एक दशरथ नामक एक राजा थे। अभी कृष्ण छोटे बच्चे, बोले तो हूँ। बोले दशरथ महाराज के घर में सारे सुख था, लेकिन एक चीज की कमी थी, घर में कोई संतान नहीं था। कृष्ण बोले हूँ। बोले उन्होंने श्री वशिष्ठ को बुला करके उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाए, यज्ञ से खीर निकली। बोले हूँ। फिर उन्होंने तीनों रानियों को बांट करके खिला दी, और उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले हूँ। जब प्रकट हुए, बड़े हो करके उन्होंने अपना गुरुकुल में गए, और 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन किया। बोले हूँ। बोले एक समय विश्वामित्र जी आए, और उन्होंने श्री दशरथ महाराज को बोले, बोले महाराज, जब हम यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े राक्षस लोग आकर के यज्ञ में बड़े उत्पात करते हैं, यज्ञ होने नहीं देते, इसलिए आप कृपा करके राम लक्ष्मण को हमें ये यज्ञ करने के लिए प्रदान करो। तो उन्होंने ये राम लक्ष्मण को लेकर के वशिष्ठ जी क्या किए, उन्होंने लेकर के उन्होंने एक यज्ञ को उन्होंने पूरी की। कृष्ण बोले हूँ। बोले जब उन्होंने ये यज्ञ को पूरी की, विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुमने एक यज्ञ तो पूरी की, और एक यज्ञ मिथिलापुरी में हो रही है, वो यज्ञ भी तुम्हें ही पूरी करना पड़ेगा। तब उन्होंने राम और लक्ष्मण को लेकर के उन्होंने मिथिलापुरी में गए। जब मिथिलापुरी में गए, जाते समय बीच में अहल्या को उन्होंने चरण का स्पर्श प्राप्त करा के उन्होंने अहल्या को भी उन्होंने उद्धार किया। भगवान कृष्ण बोले हूँ। जब उन्होंने जनकपुरी में पहुंचे, अभी जनक महाराज बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान राम रूप को देखा, तब गोस्वामी जी कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कत अति हर जब इन्होंने प्रभु राम को रूप दर्शन करके, जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए, पहले जो ब्रह्म ब्रह्म कर रहे थे उनके हृदय से अपने आप ये ब्रह्म सुख खत्म हो गया। तो जनक महाराज समझ गए कि जो राम लक्ष्मण कोई ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन वहाँ क्या हो रही थी, वो यज्ञ कौन सा यज्ञ, वहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था, इसलिए मिथिला में जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की थी, ये धनुष को जो उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। अभी जब राम लक्ष्मण आए, जब उन्होंने जनक महाराज देखा, इतने प्रसन्न हो गए, इतने सुंदर देखने में थे प्रभु राम लक्ष्मण, इतने में उन्होंने विश्वामित्र जी को पूछा, ये दो बच्चे ये कौन सा कुल के हैं? बोले ये क्षत्रिय है। कौन सा कुल के? बोला ये क्षत्रिय है। देखना, जिसकी बेटी शादी की उपयुक्त तो हो जाए, उसको जो पिता है ना, अगर किसी सुंदर किसी बालक को देख, लड़के को मन में क्या भावना आती है, अगर इसको साथ में मेरी बेटी की शादी हो जाए तो अच्छा होगा।
लेकिन जब उन्होंने राम लक्ष्मण को देखा अभी जानक की शादी होगी वहां पर स्वयंवर सभा, जब उनको पता चला ये क्षेत्रीय और देखने में भगवान कैसे सुंदर, राम लक्ष्मण एक से एक सुंदर जैसे सख्यात काम दे, जब उन्होंने सुना ये क्षेत्रीय, पहले क्या होता था अपना अपना जाति में ही शादी दिया करते थे, जब पता चला ये क्षेत्रीय है ना, जनक महाराज तो खुश हो, बोले काम बन सकता है, क्या हो सकता है, क्या काम बन सकती है बताओ, क्या काम बन सकती, जो जानकी मेरी जो बेटी है इसकी इसको साथ में शादी हो सकती है, क्योंकि देखने में इतने सुंदर, जिनको देख करके मेरा हृदय अपने आप प्रसन्न हो गया, ब्रह्म सुख खत्म हो गया, भैया काम बन सकती है। बोले ये दोनों को कहाँ पर उन्होंने ठहरवाया, बोले जानकी के लिए जो सुंदर वाटिका थी वहीं पर, कहते वहां पर क्यों रखवाए, बोले जानकी साक्षात भक्ति देवी, इसलिए भगवान का स्थान कहाँ पर होता है, जहाँ पर भक्ति वहीं पर भगवान की स्थान होती है, इसलिए उनको बड़े सुंदर उनको स्वागत करके वहाँ पर रखवाए। और भगवान राम लक्ष्मण उस दिन रात को विश्राम करे, जब विश्राम करके इसे तो विश्वामित्र को उन्होंने रात को जब सोए विश्वामित्र की उन्होंने चरण दबाए, चरण दबा करके कहते वहाँ पर बताए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, बोले कर्तव्य है जो गुरु जी से सुनने से पहले शिष्य को नहीं सुननी चाहिए, गुरु जी को सुलाने का बाद सेवा करके सुलाने का बाद ही शिष्य को विश्राम करनी चाहिए। तो दोनों ने श्री विश्वामित्र जी की चरण की सेवा की, जब गुरु जी शयन किए उसको बाद में प्रभु राम लक्ष्मण सोए, लेकिन उठेगा बोले वहां पर भी नियम बताते हैं गुरु जी उठने से पहले हमें उठनी चाहिए, ऐसे नहीं कुंभकर्ण जैसे सो रहे हो नाक को खड़ाटे लेकर के सो रहे हो, गुरु जी उठ गए और चेला ही नहीं उठे, गुरु जी जाकर चेला को उठा रहे, बोले नहीं भैया ये शिष्य नहीं है, ये शिष्य गुरुबक है, बोले शिष्य नाम में ये एक है क्या है, ये अभिमान में क्या है, शिष्य नाम में कलंक गई है, ये शिष्य बनने का योग्य ये नहीं, वहां पर सारी बात को बताई, शिष्य का क्या लक्षण, गुरु जी का क्या लक्षण, उठने पहले से श्री भगवान राम स्वयं उठ गए, उठकर क्या किया, गुरु जी के लिए पानी रखे, पहले से दांतन होता था लकड़ी की, गुरु जी के लिए दांतन रखे, तो गुरु जी उठ करके स्नान किए, स्नान करके अभी गुरु जी ठाकुर को पूजा करेंगे, गुरु जी ने राम लक्ष्मण को उपयुक्त समय देख करके बोले दाओ बच्चों सुंदर फूल चयन करके लाओ, मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ। इतने में राम लक्ष्मण गए पुष्प चयन करने के लिए, जब चयन करने के लिए गए बड़ी सुंदर वाटिका है, वहाँ पर बताए एक भी वहाँ पर कोई सूखे पत्ते नहीं, कोई सूखे टहनिया नहीं, एकदम हरा भरा है, बोले कारण क्या है, बोले वो जो वाटिका स्वयं जानक की वाटिका साक्षात भक्ति देवी की वाटिका है, वहाँ पर तो कभी कभी फूल कभी मुरझाते नहीं, हर्थ में खिला हुआ रहते हैं, जब अंदर में प्रवेश करने चाह रहे थे वहां पर देखा जो बगीचा की जो माली, बोले भैया तुम दोनों को हम घुसने नहीं देंगे, बोले क्यों क्या बात है, बोले कारण है हमने सुना अब आते समय किसी पत्थर में चरण स्पर्श हो गया तो वो पत्थर भी स्त्री बन गई, अगर तुमने आया अगर हमारे पेड़ में हाथ लगाया, अगर ये हाथ स्त्री बन करके ये पेड़ स्त्री बन करके तो उड़ जाएगी, तो वो हल्या उड़ गई थी ना, भैया घुसने नहीं देंगे हैं, घुसने नहीं दिया करेंगे। और दूसरी बात बताए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की मुख कमल कैसे है, बोले भगवान की नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, सब भगवान कमल कमल हैं, नभकंज लोचन वहां पर बताए कमल कमल, अगर सारे भौंरा आकर के मडराने लग जाए तो, लक्ष्मण बोले चिंता मत करो हमारे पास स्प्रे भी है, हम स्प्रे कर देंगे कोई चिंता मत करो है। इतने में तब श्री जो माली था बोले देखो तभी अंदर में जाने देंगे अगर आपने अंदर में घुसने नहीं देंगे, भगवान राम बोले लक्ष्मण पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे, बड़े कष्ट से घुसने दे रहे, आज जयकार दे दो ना सीता को, सीता माता की जय दे, में बुरा किया सीता को जय दो, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, तब उनने जब जयकार दिए इतने में माली ने बोला प्रभु ऐसे कौन सा व्यक्ति जो अंदर में आपको जाने नहीं देगा, केवल आपसे इसलिए बात कर रहा था कम से कम इसी की बहाना से आपका दर्शन हो जाएगा, प्रभु आप कृपा करके प्रवेश करो, जब उन्होंने प्रवेश किया है ना
वो पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, ये पुष्प अपने आप इनके हाथ में समर्पित हो रहे थे। इसकी भाव बताए, बोले क्यों, देखो अच्छे तरह समझो। माता सीता की जन्म कहाँ से हुई, बोलो माता सीता कहाँ से निकली, पृथ्वी से, पृथ्वी से। इसलिए पृथ्वी भगवान राम लग गया, सासू माँ लग गई। और जो पेड़ है कहाँ से, पृथ्वी से पेड़ हुए, तब पेड़ क्या हो गए, साले। पेड़ क्या हो गए, साले। इनकी अगर कोई दामाद किसी घर में आए, ससुर घर में आए, साले लोग बोलेंगे दामाद को तुम काम करो, नहीं बोलेंगे। इसलिए पेड़ हो गए साले। इसलिए जब भगवान अंदर में प्रवेश किया, साला क्यों बोलेगा दामाद को काम करने के लिए, ये स्वयं फूल अपने आप समर्पित हो रहे थे। लेकिन ये कौन सा फूल, भगवान खिले हुए फूल का चयन कर रहे, समर्पित। जो अधखिले कलियां थी ना, वो रोने लग गए। लक्ष्मण पीछे पीछे आ रहे थे, बोले भैया क्यों रो रहे हो, बोले रोएंगे नहीं क्या, हंसेंगे। आज अगर हमारे खिले हुए होते तो हम भी प्रभु राम की सेवा में लग जाते, बोले मैं हूं ना। इतने में लक्ष्मण ने किया कि जो अधखिले कलियां थी वो कली को तोड़ना प्रारंभ किया। बड़े सुंदर उनने गुच्छा बनवाए और बोले प्रभु आपकी ये कुंज में आपका अपना हाथों से श्रृंगार करना चाहता हूँ। भगवान राम को बैठा करके जो अधखिले कलियां थी ना, बड़ी सुंदर प्रभु की चोटी में सजा दिया। देखो यहाँ पर भाव कहते हैं, बोले खिले हुए फूल कहाँ पर, बोले प्रभु राम के हाथ में। बोले अधखिले कली कहाँ पर, बोले भगवान के सर पर, भगवान की सेवा में। यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये लक्ष्मण कौन, बोले गुरु। अगर कोई व्यक्ति गुरु जी की शरण में अगर आ जाए ना, भले ही तुम अधखिले क्यों नहीं हो, अधखिले मतलब भले ही तुम्हारे अंदर में कोई गुण क्यों नहीं हो, लेकिन अगर गुरु जी की शरण में आ जाओगे ना, गुरु जी क्या करेंगे, तुम्हें ठाकुर की सेवा में लगा देंगे। लक्ष्मण का शरण में आ गए ना, लेकिन जो खिले हुए फूल वो हाथ में लग गया, अभी ठाकुर को सेवा नहीं कर सकता, ठाकुर को सेवा में नहीं लग पाया। शिक्षा दिया है लक्ष्मण जो गुरु जी है, वही गुरु जी ही हमें ठाकुर को सेवा में लगा पाएंगे। भले ही तुम खिले हुए क्यों नहीं हो, तुम परिपूर्ण क्यों नहीं हो, अगर गुरु जी की शरण में नहीं जाओगे तो ना ठाकुर स्वीकार तुम्हें नहीं करेंगे। अभी इतने में क्या हुआ, माता सीता भी अपना देवी पूजा करने के लिए, दुर्गा पूजा करने के लिए वो भी आई थी। जब वो भी आई थी उसी बगीचा में, एक सखी ने पहले कैसे आगे गई हुई थी, हठात श्री राम लक्ष्मण को देख लिया, क्या सुंदर दो बालक, मतलब साक्षात चंद्र सूर्य जैसे प्रकट हुए, जिनकी तेज से संपूर्ण जंगल उद्भासित हो रहा था। ये सखी ने देख करके ना, इनकी रूप देख करके बाबरी बन गई और भागते भागते गई जा करके सीता जी को, सखियों को बोले, बोले मैंने दोनों बालकों को देखा है, क्या सुंदर बालक हैं। लेकिन नेत्र तो देखा, लेकिन ये नेत्र तो देखा, लेकिन नेत्र में तो मुंह है नहीं जो बखान कर सके, मुंह तो बोल सकता है लेकिन नेत्र नहीं उसको देख सकता है, इतने सुंदर हैं। जब उनके रूप को वर्णना करी, इतने में मैया सीता ने जब प्रभु राम को दर्शन किया, राम ने प्रभु सीता जी को दर्शन किया, दोनों को देख करके पहचान गए ये मेरी लक्ष्मी है और ये मेरी प्रियतम है। दोनों को देख कर पहचान गए, जो पहचान गए। इतने में जब भगवान राम आए ना, लक्ष्मण को कह रहे, बोले लक्ष्मण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। रघुकुल का नियम है, लेकिन क्या है, प्राण चले जाए लेकिन बचन नहीं जाता है। लेकिन हम रघुकुल में जन्म हुए, हम कभी भी पराई स्त्रियों को कभी हमने देखा ही नहीं। यहाँ शिक्षा देते हैं, भैया अपना स्त्री को छोड़ करके दूसरे स्त्री को पूरी नजर नहीं डालनी चाहिए। कहते हमने कभी भी प्राय स्त्रियों को जिंदगी में हमने देखा ही नहीं, लेकिन आज जब सीता को मैंने देखा, जैसे पानी में एक कंकड़ फेंक दो ना, पानी में लहरियां आती हैं, आज सीता को देख करके मेरा मन में जैसे चंचलता हो रहा है। लक्ष्मण लगता है ये तुम्हारी भाभी बन जा रही है, क्योंकि हमने कभी भी पराई स्त्रियों को देख करके हमारे मन में चंचलता नहीं आई, लगता है ये तुम्हारी ये भाभी बनने वाली है तुम्हारी है। इतने में दूसरे दिन कहाँ पर गए, जहाँ जनक महाराज की सभा, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए, जो ये प्रतंचा चढ़ा देगा धनुष में, वही 400 लोग जिसको उठा कर ले जाते थे। बोले उन्होंने ऐसे प्रतिज्ञा क्यों की जनक महाराज, क्योंकि एक समय बचपन में मैया सीता गेंद खेल रही थी,
गेंद खेलते खेलते हठात तो वो गेंद कैसे फंस गया धनुष को नीचे फंस गया, तो इतने में मैया सीता ने एक हाथ से धनुष को उठा करके और उसका नीचे गेंद को निकाल दिए। जनक महाराज बोले, हरी मेरे छोटी सी लाली जिसको 400 व्यक्ति उठा करके ले जाते हैं, ये तो एक हाथ से उठा करके निकाल दी, लगता है ये लक्ष्मी साक्षात है। लेकिन लक्ष्मी को साथ में किसकी शादी हो सकती, नारायण की। लेकिन नारायण कैसे पता चलेगा, ये नारायण ये धनुष को नारायण के सिवाय कोई भी उठा नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की ये धनुष को उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको वही नारायण हो सकता है, और कोई नारायण हो ही नहीं सकते है नारायण। इतने में बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए थे और वो कोशिश कर रहे थे धनुष को उठाने के लिए, लेकिन धनुष को टस से मस तक भी नहीं कर पा रहे थे। वहां पर श्री जनक महाराज देख रहे थे, भैया जो उठाएगा वो तो चुपचाप बैठा हुआ, लेकिन जो उठा नहीं पाएगा वही कोशिश कर रहे उठाने के लिए। लेकिन जब किसी ने भी धनुष को नहीं उठा पाए, कोई बात मत करो पीछे, इसलिए भैया वो फैन को चलाओ मत, मत चला करो, ऐसे रखो ए बच्चा। इसलिए अभी सोच रहे थे भैया, अभी जनक महाराज सोच रहे हैं उठाने वाले थे एक व्यक्ति जो चुपचाप बैठा हुआ, लेकिन जो नहीं उठा सकते वही कोशिश कर रहे। जब कोई नहीं उठा सके, जनक महाराज देखा ये डंडे के ऊपर झंडा रहता है, पहले डंडा खड़ा होगा तो मतलब झंडा खड़ा होगा, तो उन्होंने उदाहरण दिया डंडा स्वरूप कौन, बोले लक्ष्मण, बोले झंडा स्वरूप कौन, बोले राम, पहले डंडा खड़ा होगा तो मतलब झंडा खड़ा होगा, इसलिए किसी तरह से डंडे को खड़े करो, लक्ष्मण को खड़े करो। इसलिए उन्होंने किया कि थोड़ी सी ताना छेड़ दी, बोले लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया है, क्योंकि मेरी लाली सीता जिस धनुष को एक हाथ से उठा लेती हैं, यहाँ पर इतने राजा बैठे हुए कोई टस से मस भी नहीं कर पाए, लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया। इतने में इतना बोलते ही कहते एक सर्प होता है मणिधर सर्प, जो सांप का सर पर मणि होता है, मणिमय जीवन, अगर वो मणि को कोई छेड़ देना फिर तो वो सांप उसको नहीं छोड़ता, खा जाएगा। कहती यहाँ पर मणिधर पर सर्प कौन, अनंत नाग लक्ष्मण। कहती ये मणि कौन है, बोले भगवान राम। अगर राम को कोई रामायण देखे हो, अगर राम को थोड़ी इधर इधर उधर कोई बोले ना, लक्ष्मण सहन नहीं कही, सहन नहीं करते लक्ष्मण। जब उनने बोल दिया वीर शून्य हो गया, इतने में लक्ष्मण को क्रोध आया, खड़े होकर के बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतने हिम्मत, बोले पृथ्वी वीर शून्य हो गया, आपको पता नहीं ये कौन बैठे, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक स्वयं राम बैठे हुए, हम तो बचपन में इतने कितने धनुष को बचपन में खेलते खेलते तोड़ डाले और कहां ये सड़ा गला एक धनुष, इसकी बात को आप बता रहे हो, अगर आप बोलोगे ना ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को एक कच्चा गेंद का भांति उठा करके करोड़ कोस क्रोस तक मैं जा सकता हूँ, चकनाचूर कर सकता हूँ। जब इतना बोले, इसको सुन करके राम बोले लक्ष्मण चुप बैठ जा, अरे यहाँ पर गुरु जी है ना, ये विश्वामित्र जी बैठे हुए गुरु जी, जब तक गुरु जी की आदेश नहीं हो हम कैसे कर सकते हैं, मेरे को पता तू अनंत देव कौन है, अपना सर को ऊपर में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जो धारण कर करके, मेरे को पता तू अनंत देव हो, तुम सब कर सकते हो। लेकिन जनक महाराज का प्रतिज्ञा क्या है, ये धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको साथ में जानकी की शादी होगी, अगर तू उठा दिया तो शादी तो तेरे साथ में मेरे साथ में होगी नहीं है, जो उठाएगा उसके साथ में शादी होगी, इसलिए चुप बैठ जा, अभी गुरु जी के आदेश तो लेने दे। इतने में समय देख करके विश्वामित्र बोले बोले राम बेटा जाओ, जनक महाराज के हृदय में जो ताप इसको दूर कर बेटा। इतने में गुरु जी के आदेश पा करके भगवान राम धीरे 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 जा रहे हैं, सामने माता जानकी खड़ी बरमला लेकर के हैं। इतने में जब भगवान राम चल रहे थे ना, मैया जानकी तो प्राण छोड़ने जा रही थी, बोले क्यों, बोले ये धनुष को क्या इतने छोटे बच्चे उठा पाएंगे, बोले जानकी मन में शंका क्यों हो गई, बोले जब सवेरे वो फूल चयन करने गए थे, सवेरे का समय था, उस समय प्रभु फूल चयन नहीं कर रहे, तो फूल स्वयं हाथ में समर्पित हो रहा था, लेकिन प्रभु राम इतने कोमल थे, उसी समय प्रभु को शरीर से पसीना बह रहा था, इतने कोमल ठाकुर जी, बोले इतने बच्चे ठाकुर जी कितना 12 साल कैसे होगा,
लेकिन 13 साल इसको हुआ, इसलिए कहते इतने छोटे उम्र में इतने बड़े धनु जिसको 400 व्यक्ति उठाते, ये क्या उठा पाएंगे? अगर ये उठा नहीं पाए फिर मेरी क्या होगी? इसलिए मैया सीता तो प्राण त्याग करने जा रही थी। भगवान ने देखा का वर्षा से वो कृषि सुखाई, ये धनुष को क्यों उठाने जाऊंगा सीता के लिए? लेकिन अगर उठाने से पहले सीता तो प्राण त्याग करने के लिए जा रही है, फिर धनुष उठाकर क्या होगा? सीता की भावना को समझ करके भगवान राम जल्दी जल्दी गए और जल्दी जल्दी जाकर धनुष को पकड़कर उन्होंने उठाया। जब उसने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, इतने जोर से आवाज हुई, एकदम वहां ये आवाज परशुराम तक भी चला गया, इतने जोर से आवाज हुई। और जब भगवान धनुष को तोड़ दिए, इतने में जब तोड़ दिए ना, इतने में जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले सुन है ना, जल्दी जल्दी सीता को ले आओ, जल्दी जल्दी सीता को ले आओ, अभी सुन है ना, अभी सीता को ला रही हैं। जब सीता को ला रही हैं, भैया भजन गा लो, छोटी सी लाली वाली छोटी सी है, ले ले आओ भैया, राम लखन सीता को ले आओ।
माला देने के लिए देना, मेरे कथा सुनो फिर देना, ठीक है? अभी श्री मैया सीता अभी आई माला लेकर के भगवान को गले में पहनाने के लिए, लेकिन जो पहनाना चाह रही है, मतलब जब उन्होंने गला में माला पहनाने चाह रही थी, लेकिन भगवान कितने मुकुट पहने हुए देख रहे, कितने बड़े, और मैया सीता कितने दूर तक, भगवान राम के कंधे तक सीता जी, जब ये माला पहनाने के लिए जा रही थी, इतने में वो माला पहना नहीं पा रही है, हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, इतने में मैया सीता माला लेकर खड़ी हुई। जब लेकर खड़ी हुई, अभी सीता जी की सहेलियां थी, वो साली लगती हैं, वो सालियां कभी कभी दामाद से हसी दिलाई करते हैं ना, सालियां आकर के प्रभु राम के कान में बोले, बोले देखो थोड़ी सी सर नीचा कर दो ना, थोड़ी सर से नीचा कर दो। राम बोले नीचा कर दो, मैं बोलूंगा अभी नहीं, इसलिए बोले नीचा कर दो। बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए भरु बचन न जाए। अभी तक शादी नहीं हुए, तुमको पता है मैं किसका बेटा हूँ? दशरथ महाराज का बेटा। दशरथ मतलब क्या है? जिनकी रथ 10 दिशाओं में जिनकी रथ चलता था, वो दशरथ महाराज, उनको हम बेटा हैं। हम अभी तक किसकी चरण में सर नहीं नवाए हैं, इसलिए अभी शादी नहीं। बोले सर नीचा कर दो, हम नीचा नहीं कर सकते, हम तो ऐसे खड़े रहेंगे। भगवान राम तो ऐसे ही खड़े रहे और सर नीचा नहीं कर रहे। इतने में जाने की मैया तो माला लेकर ऐसे खड़ी हुई। जब खड़ी हुई, अभी क्या होगा, माला लेकर माता जी वहीं पर बैठो, आगे नहीं आना, बैठो वहीं पर, वहीं पर बैठो। इसलिए अभी माला नहीं पहना पहना नहीं पा रही है। अभी भगवान राम ने लक्ष्मण को बोले, बोले लक्ष्मण तू कुछ व्यवस्था कर। बोले मैं क्या करूंगा, लक्ष्मण कौन है? पृथ्वी, पृथ्वी रूप में लक्ष्मण है। बोले मैं क्या करूंगा, पृथ्वी तो 2 टुकड़े है नहीं, जो कि एक टुकड़े ऊंचा और एक नीचा कर दूं। नीचा करूंगा तो अब दोनों ही नीचे हो जाओगे, और ऊंचा करूंगा तो अब दोनों ही ऊंचे हो जाओगे, मैं क्या कर सकता हूँ? बोले लक्ष्मण कुछ तो कर, देख तेरे भाभी को देख, हाथ में माला लग रही खड़ी हुई, और मैं तो सर नीचा कर ही नहीं सकता, मैं दशरथ महाराज का बेटा है। इतने में जितने सखियां थी ना सीता की, इतने लक्ष्मण को कान में बोले, लक्ष्मण अगर तू हमारी ये काम करोगे ना, तेरे लिए भी हम एक काम कर देंगे। लक्ष्मण बोले बताओ क्या करोगे? बोले अगर हमारी जानकी अगर माला पहना दे राम की, ये सीता की एक छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला, ये सीता देखने में जितने सुंदरी ऐसे ही सुंदरी, इसलिए अगर तू हमारी काम कर, तेरे काम कर देंगे। लक्ष्मण बोले शादी का जो बात तो कुछ करना ही पड़ेगा, हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतने में लक्ष्मण उन्होंने क्या की, उन्होंने प्रभु राम के चरणों को स्पर्श करने के लिए गए। इतने में राम जब उठाने के लिए गए, सीता माता ने गले में माला पहना दी। बोले श्री सियावर राम चंद्र की, वो माला सीता जी को पहना दी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जितने देवता लोग जब इनकी शादी हुई ना, सारे देवता लोग स्वर्ग से पुष्प की बौछार की। बोले सियावर रामचंद्र की। इतने में सीता की जितने सखियां था ना रामचंद्र को, तो ताना मारे, बोले देखो लक्ष्मण जी तेरे राम को हार पहनना ही पड़ा, मतलब राम को हार मानना ही पड़ा। इतने में लक्ष्मण कहते हार, तुम लोग का हार, हार मतलब हार जाना। बोले तुम लोग के तो हार, हम लोग कहते हैं जय माला। क्या कहते हैं?
जय माला हम कहते हार नहीं, हम भगवान राम ने जय माला धनुष तोड़ करके उन्होंने जय माला उन्होंने पहनी। उसको बाद में फिर उन्होंने खबर दे दिया कहां पर, अयोध्या में भगवान राम की शादी होगी, दशरथ महाराज बरात लेकर के आए। माता जी बैठ जाओ, वहीं बैठो, वहीं बैठो, ज्यादा भक्ति दिखाती है। इसलिए उन्होंने अभी वहां से जब बरात आई, वहां से जब बरात वहां पर आई, पहले तो जनक महाराज सोच रहे थे शायद ये दो ही भाई राम और लक्ष्मण, लेकिन जब बरात आई ना पता चला दो भाई नहीं वो चार भाई है, भरत और शत्रुघ्न। जब देखा और उनको पास में चार बेटियां सीता उर्मिला मांडवी और सुतकीर्ति, ये चार ही लक्ष्मी अंश में जन्म हुई। और ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई, ये सब के सब विष्णु अंश में जन्म हुए। ये वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार ये विष्णु अंश में जन्म हुए। जब जनक महाराज देखा दशरथ महाराज के चार ही बेटे, खुश हो गए, बोले भैया हमारी चार ही बेटी, इनकी चार ही बेटे हैं, ये जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। तब उन्होंने दशरथ महाराज वशिष्ठ से परामर्श किया, अगर आपकी इच्छा हो हमारे पास में भी चार ही बेटियां हैं, अगर आपका इच्छा हो हम चाहते हैं ये चार बेटियों को देने के लिए। तब से वशिष्ठ जी और दशरथ महाराज आपस में चर्चा किए, क्योंकि एक दिन में ही चार ही बच्चे जन्म हुए और स्वयं विष्णु अंश में, अभी तो बहू ढूंढना ही पड़ेगा कहीं से कहीं, जब बहू अपनी आप मिल रही है, और कौन सा वंश, जनक महाराज परम ब्रह्म ज्ञानी, साधारण वंश नहीं, दोनों का वंश अति उन्नत वंश है। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य शीघ्र कर दो, बस चारों को एक साथ में शादी करा दो। अभी चारों का शादी हो गई। जब शादी हो गई, पहले नियम क्या था, शादी से पहले कोई नहीं मिलते थे, शादी के चार दिन बाद में फिर मिलते थे पति पत्नी। अभी वहां पर पहुंचे कहां पर, वहां पर जो हुए, इतने में वो सालिया है, वो सालिया कभी कभी दामाद को साथ में हंसी दिलाई करते हैं। इतने में चार दिन के बाद में ये चार ही बहुओं को बड़ी सुंदरी दुल्हनी बना करके ये सालिया लेकर के आई चार भाइयों के पास। बोले देखो तुम चार ही भाई हो, ये चार ही बहुएं हैं, अभी कौन किसका बहू तू अपना अपना छांट लो। बोले राम सावधान, छोटे भाई का जो बहू है वो बेटी के बराबर, अगर तुम अपना पत्नी को पत्नी नहीं बोल करके छोटे भाई की बहुओं को अगर तू बोलो ये पत्नी, अपना बेटियों को ही पत्नी बनाना कितना बड़ा पाप समझो। फिर बोले देखो तीनों भाइयों को सावधान, बड़े भाई का पत्नी माँ की बराबर है, अगर तू अपना पत्नियों को पत्नी नहीं बोले करके अगर बड़े भाई का पत्नी को अगर पत्नी बोल दिया, माँ को अपना पत्नी बनाना, इसलिए सावधान अपना अपना बहुओं को छाट लो। अभी कोई से दिखा नहीं अपना बहू को, ये तो पहला बार, और इतने बड़े बड़े घूंघट खींच कर गया। अभी राम का चारों भाई का तो पसीना निकलना शुरू हो गया। बोले भैया कैसे, सालिया तो हंसी दिलाई करते, बोले जल्दी जल्दी बोलो छांटो कौन किसकी बहू। भगवान राम बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी बहू, लेकिन सही अपना बहू को पहचान लिया। भारत जी को बोले बताओ तू तुम्हारी बहू कौन, वो भी सोच सोच कर बोले ये मेरी बहू है। इतने में शत्रुघ्न को बोले भैया तुम्हारी बहू कौन, बोले ये मेरी बहू। और लक्ष्मण को बोले तुम्हारी बहू, बोले ये। चार भाई ना एकदम सही सही अपना बहू को पहचान लिया। सालिया तो आश्चर्य में पड़ी गई, अभी तक देखे नहीं कैसे समझे। बोले राम ये बताओ अभी तक तो तुमने देखा नहीं कैसे पहचान ला तुम्हारी ये सीता है। बोले सीता को मैंने दो बार देखा है। बोले कब देखे, बोले पुष्प वाटिका में जो पुष्प चयन करने गए थे उस समय मैंने सीता को देखा, और सीता मेरे गले में माला पहना रही थी उस समय भी देखा, इसलिए मैंने दो बार देख लिया था, इसलिए पता चल गया मेरी सीते कौन है। भारत जी को बोले तू कैसे पहचाना ये मांडवी। बोले मैं जब कोई काम करता हूँ, कहते जो भरत है रामायण में विशेष पात्र है, भरत चरित्र अद्भुत चरित्र है, भगवान के एकांत भक्त से भरत है। बोले जब मैं कोई काम करता हूँ प्रभु राम के चरण को चिंतन करते हुए करता हूँ, इसलिए सारे काम में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, इसलिए मैं छाट लिया मेरी पत्नी। इतने में शत्रुघ्न को बोले, बोले तेरे को कैसे पता चला कि तुम्हारी पत्नी। बोले देखो मैंने चार ही भाइयों में सबसे छोटा, मैंने देखा ये चार में जो सबसे छोटी होगी मेरी पत्नी होगी, इसलिए सबसे छोटी को मैंने चुन लिया। लक्ष्मण को बोले तेरे को कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी। बोले भैया सीधी सी बात, तीनों ने जब तीनों को छांट लिया जो बच गई वो मेरी है। सब लोग बड़े हंसे।
हाँ, इसलिए ऐसे ही भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला हुई। कहती ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं? मैया जसोदा कृष्ण को ये कथा सुना रहे हैं। हैं? बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, बोले जय जय श्री राधे। आज तुम लोगों कथा नहीं होगा, तो नाम की एक महिमा बोल दो, जो जो कथा सुनाते ना खड़े हो जाओ, उसको माइक दे दो, तो जल्दी जल्दी बोल देना। अभी हैं, अभी गिरिराज जी कथा, और मैंने आपको पहले बोला था कल कथा का विश्राम है, कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कल कथा की विश्राम है, और कल कथा सवेरे 9 से लेकर 12 बजे तक होगी, उसको बाद में यज्ञ होगी, उसको बाद में सभी के लिए प्रसाद की सभी के लिए व्यवस्था है। कहते देखो ये जो कथा को जो आयोजन किए हैं, कहते हमारे श्री सुखवीर प्रभु जी और शकुंतला देवी, शकुंतला कैसे कहाँ है, शकुंतला कहती ये दीदी, और इनका जो बेटी है, इन लोगों ने इनकी बेटी कहाँ है, यहाँ बेटी है, करुणा दीदी हैं, करुणा दीदी है लेनी, इसलिए इन लोगों ने ये श्रीमद् भागवत कथा को यहाँ पर उन्होंने आयोजन किया। इन लोगों ने हर तरह से, और संतोष दीदी है यहाँ पर, है ही नहीं संतोष दीदी, हाँ संतोष कहाँ है, संतोष मैया, इसलिए कहाँ है, थोड़ा दर्शन दो, इसलिए नीचे है, नीचे हो तो ऊपर आ जाओ। इसलिए इन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से तन मन और धन से, आप लोगों ने देखा सभी के लिए रोज रोज बढ़िया बढ़िया उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की, हाँ दो दो सब्जी पूरी चावल इतना नहीं, फिर मिठाई सभी के लिए उन्होंने रोज रोज बड़े अच्छे सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की प्रभु जी ने, हैं हर तरह से। प्रभु जी बोले पैसा के लिए कोई चिंता मत करो, हर तरह से बढ़िया होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, अच्छे तरह से प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रसाद का कमी नहीं पड़े। मेरे को माता जी बोल रहे थे कभी 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 ज़्यादा प्रसाद हो जाता है, फिर जा करके फिर घर घर में प्रसाद को फिर बांटना पड़ता है। इसलिए इन लोगों ने हर तरह से, इन लोगों ने ये भागवत कथा में इन्होंने तन मन धन से उन्होंने सेवा की। इसलिए ठाकुर जी देखो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत कथा की इतने महिमा भागवत कथा की हैं, कहते भागवत कथा में जो एक रुपया भी लगा देता है भागवत कथा में, ठाकुर जी क्या कहते हैं किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं रखते हैं, उसको भंडार को भरपूर रखते हैं। और यहाँ के मोहन नगर के भक्त लोग भी कुछ न भक्त लोगों ने भी मदद किया है, हैं भक्त लोगों ने मदद किया। इसलिए मैं ठाकुर जी से गुरु जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर जिस लोगों ने किसी ना किसी तरह से कथा में मदद किया हैं, ठाकुर जी उनको भक्ति दे और उनका प्रेम दे, खूब इनके आनंद में रखे और खूब फलते फूलते रहे। इसलिए आप इन्हीं के लिए जोरदार आप लोगों ने ताली बजाओ, आ जाओ संतोष मैया इधर आ जाओ। हाँ, इसलिए ये हर तरह से इन लोगों ने सेवा की है, और विशेष करके जो कथा सुनने इधर आ जाओ, जो कथा सुनने के लिए आए हैं भागवत कथा में, जो कथा सुनने के लिए आप आए हो, इसलिए आप लोग कौन हो, बोले आप लोग हो परीक्षित, आप लोग कौन हो परीक्षित। अगर सुखदेव गोस्वामी हो जाते, अगर आप लोग नहीं होते है ना, फिर क्या होता, ये कथा क्या हो सकती थी, कथा नहीं हो सकती थी। इसलिए आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए हो, माता जी हरे कृष्णा, दो मिनट खड़े हो जाओ। इसलिए अगर आप लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते तो ये कथा क्या हो सकती थी, कथा नहीं हो सकती थी। इसलिए आप लोग जो कथा सुनकर आए, सुनने के लिए आए, आप परीक्षित हो, इसलिए आप लोग भी आप लोगों के लिए जोर 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 से ताली बजाओ, जोर से। हाँ, इसलिए कहते इसी कथा में हमारे माइकी वाले भैया के भी बहुत अच्छे तरह से माइकी वाले है कि नहीं यहाँ पर, इसलिए इन्होंने भी सब इनको गाली दिए, थोड़ी सी इधर हो दे जा, इन्होंने भी अच्छे तरह से बैठ करके हर तरह से किया है, अब इन्हीं के लिए भी ताली हो जाओ। और इन कथा में हमारे साथ में जो म्यूजिक पार्टी वाले श्याम प्रभु जी, इन्हीं के अंगुल चलते ही आपको नाचना शुरू कर देते हैं, हैं हमारे श्रीदा भैया बड़े सुंदर, इनकी अंगुल के ऊपर सब हम नाच रहे थे। अरे हमारे श्रीकांत भैया जी, ये लोग हर समय हमारे साथ में रह करके हर तरह से ये लोग सेवा करते हैं, इनके लिए भी जोरदार आप लोगों ने ताली भी, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। और इन कथाओं में हमारे जो
हैं, कहते क्या राजकुमार प्रभु जी और हमारे श्री अशोक नगर से क्या नाम दामोदर प्रभु जी, तो दिन भर नीचे प्रोजेक्ट देखना और हर तरह से इन लोगों ने बड़ी सेवा की। और जो प्रभु खड़े हुए क्या नाम तुम्हारी तारक तारा, इसलिए इसलिए इन लोगों ने भी बहुत हर तरह से अच्छे तरह से इन लोगों ने विजय प्रभु राजेंद्र प्रभु सब लोग ने। और जो राजेंद्र प्रभु है कहते अगली पहली बार इन्होंने अपना घर में कथा रखी थी, तो जो माता जी वहां पर खड़ी हुई है कहते इन लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोगों ने इन्होंने भी अपना घर में कथा रखी थी हैं। फिर उसको बाद में हमारे संतोषी मैया बोली बोले हम भी चाहते हैं हमारे बेटी के घर में भी 7 दिन ये भागवत कथा हो। कहते जिस घर में ये भागवत कथा होती है कहते पृथ्वी का जितने ऋषि मुनि देवता पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है उसी घर में आकर के बैठ जाती है। कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, उसी घर में ही ये सारे तीर्थ आकर बैठ जाते हैं। इसलिए इनकी परिवारों ने जो तन मन धन से हर तरह से सेवा की, ठाकुर जी इनको खूब आनंद दे, अब खूब इनको शांति सुख दे। देखो देखो लोगों के पास तो पैसा है लेकिन इस शादी में देखना करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे, लाख लाख रुपया खर्चा कर देंगे, लेकिन भगवान की कथा में भगवान सबकी सेवा नहीं ग्रहण करते हैं। कहते दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग दे करके विदुर घर में उन्होंने साग भाजी खाए। क्यों? भक्त का द्रव्य ही भगवान का प्यारा है। और हमारे श्री सुखवीर प्रभु ये कहते हैं जब हमारे रिटायर हो जाएगा ना फिर दोबारा में कथा कराऊंगा, फिर मैं दोबारा इनके लिए जोर जोर ताली बजाओ। इसलिए हमारी माता जी कहती हैं इनकी रिटायर में फिर कथा कराएंगे। इसलिए इनकी जो भगवान इतने दिल खोला दिल दिया है, मतलब ठाकुर जी इनके ऊपर में विशेष कृपा है, तभी उन्होंने ठाकुर जी इनकी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। इसलिए ठाकुर जी आप सबको ऊपर में कृपा करें, आशीर्वाद दें। हाँ शकुंतला माता जी इधर आ जा, इनके सास देखो यही घर की मालिक यानी है, प्रभु इधर आ और एक माला दे दो, इधर इधर ताली बजा मेरे लिए, चल और एक माला दे दो। ये जो शकुंतला दीदी है ना इनकी ही ये घर की यही मालिक यानी है और इनकी बहू है और इनकी क्या क्या, क्या लगती है समदिन तुम्हें लगती है, इसलिए बेटी की सास है। इधर आ जाओ हाँ इनके लिए ताली बजाओ। माता जी उधर 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 खड़ी हो जाओ, इसमें लाइव ही जा रही है, इसमें सब देख रहे हैं, पृथ्वी का लोग देख रहे हैं, आपके घर में कथा हो रही है ना ये सब पृथ्वी के लोग इसमें बैठ बैठ कर देख रहे हैं, तुम्हारे घर में भागवत कथा हो रही है ठीक है। इसलिए और माला नहीं है लाल की जय जय श्री राधे। हाँ हाँ अब बैठ बैठ जा उनको बैठना था। हाँ बोला उनको भी इनको इनको बैठना बोले से वृंदा बैठ बैठ जा सब बैठ जा ऊपर बैठो बैठो ऊपर बैठो तीनों बैठो ऊपर बैठो दिखा दे। हाँ प्रभु जी नाम की थोड़ी महिमा, अभी हम लोग गिरिराज की कथा सुनेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, वो जो कथा सुना था ना वही कथा सुना दो। अभी गिरिराज की पूजा होगी, इसको बाद में सब प्रसाद लेकर के जाना। और कल हाँ कल है रुक्मिणी की चरित्र है, भगवान कृष्ण रुक्मिणी की विवाह होगी। आज कौन सा रंग की साड़ी पहन करके आए हो अलग अलग, कल सबके सब जैसे शादी में जाते हैं ना आप लोग चमक धमक पहन करके कपड़ा आना ठीक है, अच्छे तरह से शादी में जैसे लाल रंग की कौन सा रंग के लाल रंग के सब कपड़ा पहन करके आना है ठीक है। और कल है देख इधर सुना माता जी बात मत कर, इसलिए कल अगर रुक्मिणी विवाह में कोई कोई साड़ी देते हैं, अगर आप कोई साड़ी लाओगे तो हम कोशिश करेंगे वृंदावन में राधा रानी को पहनाने के लिए रुक्मिणी विवाह में साड़ी लाओगे तो। और कल जैसे सुदामा जी का चरित्र है उसमें जैसे सुदामा 2 मिट्टी चिड़वा ठाकुर को दिए, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिए, इसलिए अगर काल कल थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के आना ठीक है सुदामा के, और वो चावलों को मैं आपको दूंगा, वो थोड़ी थोड़ी चावल लाल कपड़ा में बांध करके कुछ उसमें पैसा रख करके मंदिर में रखोगे तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, घर में लक्ष्मी भरपूर रहेगी। हमारी यहाँ पर एक लक्ष्मी दीदी बैठी हुई है,
कहती ये भी हमारे लिए बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने प्रसाद बनाए हैं, हमारी सेवा में दिन भर लगी रही प्रसाद में। एक सालू दीदी, सालू माता कहाँ गई? कुसुम माता है, सालू दीदी है, सिद्धि है, सुरभि है, हाँ इन लोगों ने, सब लोगों ने, इन लोगों ने सेवा की। ठाकुर जी सबको ऊपर में कृपा और आशीर्वाद करें। बोलो जी श्री कृष्ण लीला तत्मे सुदक्षम औदार्य माधुर गुणश्रीयुक्तम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तुं सरसा नमामि। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नाम्ने वाञ्छाकल्पद्रुवस्य कृपासिन्धवे च भक्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोलिए सुप्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पार्षद में नितिला पविष्य विष्णुपाद अष्टोषत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात व्यासपीठ पर आसन मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्य भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। समस्त रूपानुग गुरुवर के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी भागवत कथा श्रवण हेतु जो आए भक्त हैं उनके चरणों में मेरा यथा योगदान प्रणाम। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि कुछ नाम के विषय में बोलना है, तो गुरुदेव की आज्ञा में ना आगे पीछे किंतु परंतु कुछ ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ कि भैया नाम की महिमा बहुत है। इस नाम की महिमा इतनी है कि इसकी नाम की महिमा को कोई कह ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है। और कौन सा नाम है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी जी इस विषय में बोलते हैं कि सबरी गीग सुसेवकनी सुगत गीत रघुनाथ, कि जो सबरी है, गिद्ध जटायु है, ठीक है, अजामिल है, ये भगवान के कुछ भक्त हुए हैं, इनको सुगत गति दीन रघुनाथ, कि इनको सुगति दी किसने? रघुनाथ जी ने। लेकिन नाम उदारे अमित फल वेद विदित गुणगात, लेकिन नाम प्रभु ने कितने लोगों को जगत में तारा इसकी गिनती स्वयं वेद भी नहीं गिन सकते, स्वयं भगवान राम भी नहीं गा सकते। तो नाम की महिमा इतनी है कि स्वयं जब भगवान राम जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, जब वो भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते तो हम जैसे साधारण बद्धजीव इस नाम की महिमा को क्या बता पाएगा। तो गुरुदेव यहाँ पे 7 दिन की भागवत कथा में आपको इस नाम की कथा को ही श्रवण कराया। गजराज महाराज की जय। गुरुदेव ने 7 दिन आपको श्रीमद् भागवत के द्वारा नाम प्रभु की महिमा का ही गुणगान किया गुरुदेव ने, तो इस नाम प्रभु की बहुत महिमा है जगत में कलियुग में, विशेषकर चहु युग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ कल विशेष नहीं आन हो पाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों वेदों में और चारों युगों में केवल नाम की महिमा है, और कलयुग में तो विशेष रूप से नाम से ही कल्याण होगा। इस कथा को सार रूप में समझाते हुए एक कथा आती है हमारे ग्रंथों में कि एक बार जो कबीर जो हुए हैं, आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर हुए, भगवान के बड़े भक्त हुए हैं, उनके पुत्र का नाम था कमाल। कमाल बनारस में रहते थे, वाराणसी में रहते थे, तो वहां पे उन्होंने एक बड़ा अजीब दृश्य देखा कि एक कलकत्ता का मारवाड़ी जो सेठ है, कलकत्ता का मारवाड़ी सेठ बड़े हाथी घोड़ों के साथ उन पे बहुत ढेर सारा सामान लेके और ढोल ताशे नगाड़ों के साथ वहां पे चला आ रहा है, तो पूरा रास्ता जाम हो गया 2 किलोमीटर का। तो कमाल को बड़ी बेचैनी हुई जानने की कि भाई ये क्या मामला है। उसने किसी जाके किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया ये क्या मसला है, क्या बात है, इतना बड़ा तामझाम लेके ये कौन सा बड़ा धनाढ्य सेठ आ रहा है जिसने 2-3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा दिया है पूरा। तो वहां पे उसको पता चला कि ये कलकत्ता का मारवाड़ी सेठ है और इसको शरीर में कोढ़ है। क्या है इसके शरीर में? इसके शरीर में कोढ़ है। और इसको किसी विद्वान ने बताया है कि वाराणसी में आके विद्वान पंडितों के द्वारा अगर ये मंत्रोच्चारण के द्वारा कुछ दान पुण्य करेगा तो इसका कोढ़ चला जाएगा। तो कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कोढ़ मिटाने के लिए इतना बड़ा आयोजन करने की क्या आवश्यकता है, इस कोढ़ को तो मैं 2 मिनट में ऐसे ही ठीक करा दूंगा। तो वो जैसे तैसे उस मारवाड़ी सेठ के पास गया और उसने कहा कि प्रभु
आप यहाँ जो आए हो, अपना जो मुझे पता चला है आपको जो बीमारी है कोड, उसको ठीक करने आए हो ना आप, कि हाँ भैया आया हूँ, तो इतना ये तामझाम करने की क्या जरूरत है। हमारे पास तो एक ऐसी विधि है कि आपका ये कोड तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा। कि ऐसी विधि है तुम्हारे पास? कि हाँ हमारे पास ऐसी विधि है कि मैं इतने समय से इलाज करा रहा हूँ, सब वैद्य लोग हकीम लोग हार गए, इसका इलाज नहीं कर पाए। आपके पास ऐसी कैसी जड़ी बूटी है भैया जो आप बता रहे हो कि अभी तुरंत के तुरंत आपका कोड ठीक हो जाएगा? कि मेरे पास विधि है। क्या विधि है? मेरे पास नाम की विधि है। किसकी विधि है? नाम की विधि है। कि क्या नाम? कि आप पहले आओ, गंगा घाट पे चलते हैं, वहां हम आपको बताएंगे सारी बातें। तो सेठ और कमाल दोनों गंगा घाट पे गए। गंगा घाट पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि विधि क्या है? नाम की विधि है। और आपको अपने वस्त्र उठा के गंगा घाट, गंगा जी में उतरना है, गंगा जी को प्रणाम करना है, और स्नान करते हुए क्या बोलना है आपको? हे राम। क्या बोलना है? हे राम। और आप जब ऊपर आओगे तो आप देखना आपका कोड साफ हो जाएगा। यही सिंपल सी विधि है भैया हमारे पास तो, कि हमारा धन नाम ही है और कुछ नहीं है, और नाम ही हमारी औषधि है। और यही आपको अगर अच्छी नियत से आप सेवन करोगे ना, तो आपका ये कोड मिट जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। अर्थात क्या है? जो भगवान के नाम का जप खरी नियत से, यानी शुद्ध हृदय से जपता है, तो क्या करता है? अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। कि उसको कोई शरीर में रोग आ ही नहीं सकता। हम दुनिया भर के डॉक्टरों, वेद हकीमों के पास जाते हैं, लेकिन वास्तविक उपचार तो हमारे हाथ में ही है। और क्या है वो? भगवान का नाम संकीर्तन। और यही विधि क्या है? कमाल उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, किसको? मारवाड़ी सेठ को, कि भैया नाम विधि के द्वारा आप गंगा में स्नान कीजिए और भगवान के हृदय से नाम जप करना, आर्त भाव से करना, और जब आप निकलोगे तो आपका कोड चला जाएगा। तो सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो इतने करोड़ों रुपए मैंने खर्च कर दिए अपने शरीर को स्वस्थ करने में, और उससे अगर कोड ठीक नहीं हुआ, और एक राम नाम से कोड ठीक कर रहा है तो क्या हर्ज है। तो उन्होंने उनकी बात को मान लिया कि ठीक है कमाल प्रभु, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। सेठ और कमाल जी दोनों गंगा घाट पे, सेठ ने कपड़े उतारे और गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। और उसने कहा कि अब डुबकी लगाओ और आर्त भाव से, यानी कि हृदय से भगवान को पुकारना है, हे राम करके निकलो। तो उसने जैसे ही डुबकी लगाई, प्रथम डुबकी लगाई और कहा हे राम, और लेके जब बाहर आए तो कोड झोंका क्यों उनका? समझ नहीं आया कमाल को उनको कि एक नाम में इसका कोड ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने डांटा सेठ को, अरे तू ठीक से डुबकी नहीं लगाई तूने, दोबारा से हरि नाम ले, दोबारा से ठाकुर जी राम जी का नाम ले और डुबकी लगा, दोबारा तेरा कोड ठीक हो जाएगा, दो बार में ठीक हो जाएगा, एक बार में नहीं हुआ था कोई बात नहीं, तू जा। फिर उसने सेठ ने फिर दोबारा से राम का नाम लिया, हे राम, और फिर डुबकी लगाई और वापस आके देखा तो कोड फिर झोंका। तो अब कमाल को आ गया गुस्सा कि जो एक नाम की चीज है, इसने दो नाम राम के बर्बाद कर दिए, इसको अभी तक क्यों ठीक नहीं हुआ? कि रुक जा मैं आता हूँ। अब कमाल कपड़े उतार के और एक लठ लेके हाथ में गंगा में भी उतर गए, जहां पे सेठ स्नान कर रहा था। अब उसने कहा अब जब मैं कहूँ ना, जब तू डुबकी लगाई हो, सेठ ने कहा ठीक है। अब एक हाथ में कमाल के डंडा और एक हाथ में उसकी सेठ की गर्दन, कि अब तू डुबकी लगा और जब मैं कहूँ तब राम बोलना है तेरे को। तो सेठ ने जैसे ही डुबकी लगाई कि बोल हे राम, तो उसने राम, उसने जब राम बोला तो गले में तो प्राण थे उसके, ठीक है, हाथ में प्राण थे, सांस लेने की झटपट आ रहा है कि बोल हे राम, और एक जोर से लट मार दिया बोल हे राम, तो उसके प्राण जो झटपट आए और जो मुंह से नाम निकला तो क्या निकला? वो हृदय से निकला। क्योंकि भगवान को जब आप कष्ट में पुकारते हो ना, क्या करते हो? हृदय से पुकारते हो। कहते ना दुख में सुमरन सब करें और सुख में करें ना कोई, और जो दुख में सुमरन करे, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो उस सेठ ने क्या किया, प्राण झटपटा रहे हैं, प्राण लेना है कैसे भी, सांस आनी चाहिए, तो जो नाम निकला वो हृदय से निकला। और जब वो सेठ बाहर निकला तो उसका वास्तविक में कोड चला गया था। अब सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, सेठ बड़ा प्रसन्न कमाल के चरणों में पड़ गया, अरे आपने तो मेरा इतने दिनों का, कई सालों पुराना कोड ठीक कर दिया, अब ये एक काम करो, आप ये सारा धन आप ले लो, मैं जितना जो झमेला लाया था सबको दान पुण्य करने के लिए, ये सब आप ले लो। तो कमाल तो क्या, फकीर का बेटा फकीर ही होता है, साधु का बेटा साधु। जैसे पिता के लक्षण पुत्र में आए, उन्होंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, हम तो वैरागी संत ठहरे, आप ही जहां जिसको देने आए उनको दो, हमारा काम था निस्वार्थ सेवा करना, हमने वो कर दिया। ऐसा कह के कमाल जो है वहां से चले गए। और कमाल की आयु ज्यादा नहीं है, 12-14 वर्ष की किशोर अवस्था है उनकी। और हंसते गाते जब वो अपने पिताजी के पास गए, कबीर जी के पास, तो सोचा पिताजी मुझे बड़ा इनाम देंगे। और बड़े हर्ष से उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को सारा वृतांत बता दिया कि पिताजी आज एक मारवाड़ी सेठ को मैंने तीन राम के नाम में ठीक कर दिया।
कबीर जी ने अपना माथा पकड़ लिया, अरे बूढ़ा कुल कबीर का जो हुआ पुत्र कमाल, कि मेरे तो कुल का नाम ही डूब गया, नाश कर दिया। जो तूने हरि नाम जैसी अनमोल चीज, राम नाम जैसी अनमोल चीज मात्र एक कोड़ ठीक करने में लगा दी, वो भी तीन राम के नाम, तुझे नाम की महिमा का आभास ही नहीं है। और वास्तव में देखो, हम किसी को राम नाम का आभास ही नहीं है, है ना। मुर्दे को भी सुनाते चले जाते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन वास्तव में जो चार लोग बोल रहे होते हैं ना, उनको भी नहीं पता राम नाम सत्य क्यों है। उस मुर्दे ने तो पूरा जीवन बिताया, जाना नहीं जाना, या तो वो जाने या मुर्दा जाने, भगवान जाने, लेकिन हम लोग भी नहीं जान रहे कि हम जो बोल रहे हैं इसकी महिमा क्या है, राम नाम सत्य क्यों है। तो जीते जाने के बाद कोई हमें बताए राम नाम सत्य, इससे पहले ही हम जान लें राम नाम सत्य क्यों है। तो कथा का विस्तार ना करते हुए मैं सूक्ष्म रूप में गुरुदेव के संदेश को आपको सुनाना चाह रहा हूं। तो कबीर जी ने क्या कहा कि तुझे राम की महिमा, नाम की महिमा समझानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा तू जा सरयू के घाट पे, अयोध्या जी में तुलसीदास जी हैं, परम राम भक्त हैं, तू जा उनसे राम नाम की महिमा सीख के आ, राम नाम की महिमा सीख के आ। तो वो गए वहां पे सरयू के किनारे अयोध्या जी में गए और तुलसीदास जी को प्रणाम किया और सारा वृतांत बताया कि मुझे पिताजी ने नाम की महिमा समझने के लिए भेजा है, राम नाम की कितनी महिमा ये मुझे समझाइए। तो उन्होंने कहा अच्छा तू एक काम कर, आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पे नगाड़ा बजवा दे कि कल तुलसीदास जी जितने भी गांव हैं आसपास के कोड़ी हैं सबका कोड ठीक करने वाले हैं, और जिसको अपना कोड ठीक करना है वो तुलसीदास जी कुटिया के सामने आ जाए। और अगले दिन क्या हुआ, 400-500 से भी ज्यादा कोड़ी जो है वहां पे तुलसीदास जी की कुटिया के सामने आके इकट्ठे हो गए। अब तुलसीदास जी ने जब कोलाहल देखा कि हाँ सभी इकट्ठे हो गए, फिर कमाल से कहा कि जाओ तुलसी जी को प्रणाम करो और प्रार्थना करके तुलसी दल लेके आओ, तुलसी पत्ता लेके आओ। तुलसी पत्ता लेके आए और कहा अब इस पे श्री राम नाम अंकित करो। श्री राम नाम को अंकित किया और तुलसीदास जी ने उसे सिलबट्टे पे घोटा और घोट के उसका पानी एक मटके में मिला लिया। और मटके में पानी लेके भगवान का नाम लेके वो सबके ऊपर कोड़ियों के ऊपर छिड़क दिया, बोलो जय श्री राम। और ऐसा बोलते ही जितने भी जिन जिन कोड़ियों के ऊपर वो पानी गया था उन सबका कोड़ ठीक हो गया। अब कमाल ने कितने नाम लगाए थे कोड़ को ठीक करने में, तीन नाम, और एक मटके में एक नाम से हजारों कोड़ियों का कोड़ ठीक हो गया, ये नाम की महिमा। अब आके जब फिर उन्होंने कबीरदास जी को बताया, पिताजी ये तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तीन नाम खर्च किए और तुलसीदास जी ने केवल एक नाम के अंदर बता दिया कि अभी भी तू नहीं समझा मूर्ख, नाम की महिमा क्या है, ये अनमोल निधि है, इसको हम जानते ही नहीं है, समझते नहीं है, और सदगुरु जब यहाँ आके हमें बताने की चेष्टा कर रहे हैं तो अपना ज्ञान लगा रहे हैं हम लोग उसमें, ठीक है। मैंने कहा ना गुरुदेव की आज्ञा में ना कोई इंतु परंतु नहीं होता, जैसे गुरुदेव ने बोला वैसे ही आदेश का पालन करना है। तो उन्होंने कहा अब तू एक काम कर, राम की महिमा सीखनी है तुझे और सिखानी पड़ेगी, तू सूरदास जी के पास जा। सूरदास जी कौन है, परम कृष्ण भक्त है। कौन है सूरदास जी, परम कृष्ण भक्त है। लेकिन उनको कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि तू राम नाम की महिमा सूरदास जी से सीख गया। तो ऐसा भी कोई पेटेंट नहीं है कि राम भक्ति राम की महिमा बताएगा, कृष्ण भक्त भी राम की महिमा बता सकते हैं। इस कथा से हमें ये भी सीखना चाहिए, कोई कहे कि मुझे कृष्ण भक्ति देने वाले राम भक्ति नहीं दे सकते, नहीं गलत है, वो सर्वसमर्थ गुरुदेव हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं, जैसा आपका भाव है उसके हिसाब से भी वो दे सकते हैं आपको। तो सूरदास जी के पास मथुरा जी में यमुना जी के तट पे उनको भेजा कि जाओ जाके सूरदास जी से नाम की महिमा सीख के आओ। सूरदास जी को सारा कबीरदास जी के बेटे कमाल ने सारा वृतांत बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हें नाम की महिमा समझनी है, तो तुम एक काम करो कोई यमुना जी में जो मुर्दा बहता हुआ जा रहा है ना उसको ले आओ। अब सूरदास जी क्या है, जन्म से नेत्रहीन है, सभी लोग जानते हैं सूरदास जी जन्म से नेत्र है ही नहीं उनके। तो कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो नेत्र इन्हें देख ही नहीं पा रहे, इन्हें कैसे पता चल गया यमुना जी में मुर्दा जा रहा है, लेकिन फिर भी संत हैं, मुर्दे को ले आए। अब उस मुर्दे को मेरे पास लेटा दो, मुर्दे को उन्होंने सूरदास जी के पास लेटा दिया। अब उन्होंने एक बार बोला, क्या बोला, हे राम, मां भी नहीं बोला, क्या बोला, हे राम। तो रा अक्षर को सुनते ही वो मुर्दा राम राम कह के उठ गया, बोले श्री राम चंद्र भगवान की जय, श्री नाम प्रभु की जय। वो केवल रा शब्द को सुनते ही वो मुर्दा श्री राम राम कहते हुए उठ गया। और कमाल जी तो सदमे में कि ये क्या कमाल हो गया कि राम नाम पूर्ण भी अंकित नहीं हुआ, मुखारबिंद से पूर्ण रूप से नाम भी नहीं निकला सूरदास जी के, और ये मुर्दा राम राम कहते हुए उठ गया।
तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और नाम प्रभु से क्षमा मांगते हुए और सूरदास जी के चरणों में क्षमा मांगते हुए, तुलसीदास जी के चरणों में क्षमा मांगते हुए, है ना, और अपने पिताजी के चरणों में क्षमा मांगते हुए वो वहां से श्री राम नाम की महिमा को गाते हुए अपने पिताजी के पास गए। श्री सियावर राम चंद्र की, श्री गिरिराज बाबा की, जोर से बोलो श्री गिरिराज महाराज की। हरे कृष्ण। अभी हम गिरिराज जी कथा सुनते हैं। बोले एक समय मैया यशोदा बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी रावण, इतने में कृष्ण गए। बोले मैया क्या कल मेरे जन्मतिथि? बोले नहीं। बोले ताऊ मैया की? बोले नहीं। बोले फिर ये रात भर इतने सुंदर सुंदर पकवान क्यों बना रहे हो? बोले पिताजी को पास में जा। जब नंद बाबा को पूछे, बोले बाबा ये मैया रात भर क्यों ये खाना बना रही है? बोले लाला कल हम इंद्र पूजा करेंगी। बोले पिताजी इंद्र कौन होता है? बोले स्वर्ग के राजा, इनके अधीन में ये मेघ है और हम लोग सबके सब ग्वाला उपयुक्त समय पर बारिश होने से कहते हैं घास उगता है या घास खाते दूध देते उसी से ही हमारा जीविका चलता है। इतने में कृष्ण ने कहा पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये हमारी प्रत्यक्ष देवता है, ये मेघ आकर उसमें टकरा करके बारिश होती है, ये पहाड़ नहीं पिताजी, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। कृष्ण ही कलयुग में ये गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए, गैया वहीं से घास खाते हैं पानी पीते हैं, इसलिए हम लोग भी वहीं से सारे फल मूल वहीं से मिलता है, हमारी प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं भगवान कृष्ण उसको पीछे 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 चलते हैं, मेरे इतने कष्ट करके क्यों परिक्रमा करता है, जो कुछ मांगे गिरिराज सारी इच्छा को पूरी कर देते हैं। इसलिए गिरिराज का नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले कौन? गिरिराज। सारा दुनिया कृष्ण पूजा करता है, कृष्ण गिरिराज को पूजा किए, सारा दुनिया कृष्ण को परिक्रमा करते हैं, लेकिन परिक्रमा कृष्ण स्वयं गिरिराज की परिक्रमा लगाए। इसलिए पिताजी बोले इंद्र का पूजा कब से कर रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले इंद्र दर्शन कभी दिए? बोले नहीं। बोले पिताजी अगर आप गिरिराज की पूजा करोगे ये साक्षात आपको दर्शन देंगे, जो कुछ इनसे मांगोगे गिरिराज समस्त इच्छा को पूरी करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से ठाकुर दर्शन होगा? बोले हाँ पिताजी। बोले ठीक है कल हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, सबके सब गिरिराज की पूजा करेंगे। जितने माताएं थी ना बड़े सुंदर सुंदर चार तरह का तो चावल बना करके लाए, एक मिट्टी चावल, एक फीकी, एक नमकीन, एक मटर पनीर डाल करके, दो तरह का कढ़ी लाए, एक सुहागिनी कढ़ी, एक राड़ कढ़ी। कौन सा कढ़ी आज बनाए? जिसमें पकौड़ा डाल करके बनाते वो सुहागिनी कढ़ी, बगैर पकड़ो के वो राड़ कढ़ी है। इसलिए दो तरह का चूरमा, कहते एक हंसना एक रोना, हंसना मतलब पतल में रखते खिल जाए, रोना जिसे घी टपकता है। इतने सामान लाए अभी भी ब्रज में देखोगे ना 365 गाँव है, तरोली बरौली सही ऊंचा गाँव नीचा गाँव नंदगांव बरसाना, इतने लाए प्रसाद पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया। कृष्ण पंचामृत को तरह अपना हाथों से अभिषेक की, भगवान को आसन पाद्य दे करके जब उन्होंने गिरिराज को भोग लगाया साक्षात गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोले श्री गिरिराज महाराज की, दर्शन कर लो गिरिराज गोवर्धन को। इतने में स्वयं गिरिराज जी वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर के जो कुछ लड्डू कचौड़ी मालपुआ जो कुछ वहां पर बनाए थे ठाकुर जी हाथ पसार पसार करके ठाकुर जी खा रहे थे, मिनट में सब कुछ खा लिया। बोले आनो रे और ले आओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब आप इसी में ही प्रसन्न हो जाओ। भगवान जब सब कुछ ग्रहण कर दिया फिर उन्होंने हाथ घुमा दिया तो जो लाए थे ना सबके सब डबल हो गया। मतलब क्या है, अगर ठाकुर को सेवा में कोई चीज लगाओ ना कोई कमी नहीं बढ़ता है, प्रसाद कभी कमी नहीं, हर समय प्रसाद बढ़ता है। इसलिए संतोषी मैया बोल रही थी रोज रोज बहुत सारे प्रसाद बच रहा है, हाँ बच रहा है प्रसाद। इसलिए कृष्ण ने कहा भैया चलो चकाचक भजन करो और सबके सब हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। भगवान स्वयं सारे ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने श्री गिरिराज की उन्होंने परिक्रमा लगाई। प्रभु जी अभी भजन सुनाएंगे गिरिराज भजन में, क्या नाम
आ जाओ गिरिराज जी कीर्तन में नाचो तो गिरिराज सब इच्छा पूरी कर देगी, इसलिए सब स्वराज सुन तो गोवर्धन को जाऊं गिरी नाई मारे Oh, baby, baby.